आप सबको नमस्कार मेरे तरफ से। आशा करता हूँ कि सब लोग बढ़िया हैं, सब लोग अच्छे होंगे। आई थिंक लॉकडाउन में अभी क्या बोलते हैं, बॉर्डर्स लॉक हो सकते हैं, लॉकडाउन में गाड़ी घोड़ा लॉक हो सकता है, लेकिन लॉकडाउन में दिल और दिमाग जरूर लॉक नहीं है। ये तो मुझे जरूर फीलिंग है, क्योंकि इतना समय में भी कैसे भी हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, हमारा काम बढ़ रहा है, हमारा कंपनी बढ़ रहा है। डेफिनेटली इट शोज वन थिंग दैट वी आर सो डेडिकेटेड, हम सो पैशनेबल है और काम जरूर आगे बढ़ते जाएगा। चलिए, आज का एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। टॉपिक को ध्यान से सुन ले, और डीप टॉपिक होगा, बट मैं बहुत लंबा इसको नहीं बताऊंगा। मे बी 45 मिनट्स में बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही एक थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक है। मैं बहुत ज्यादा बताऊंगा अभी का अभी, तो आपको शायद पूरी तरह ना समझ में आए। मैं भी मुझे इतना लगेगा इस टॉपिक को कवर करने में पूरी तरह। एंड मैं जब मैं पोस्ट करूंगा टेलीग्राम में, तो यू विल हैव अ मोर इजी अंडरस्टैंडिंग। मुझे रिक्वेस्ट किया गया है कि सर टेलीग्राम में थोड़ा हिंदी में लिखिए, तो मैं हिंदी को इंग्लिश टेक्स्ट में लिखूंगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी लिखूंगा टॉपिक के ऊपर, हिंदी में भी लिखूंगा, ताकि किसी को भी समझने में आसानी हो या आपको शेयर करने में आसानी हो। आई विल ट्राई टू डू दिस। मैंने अभी तक नहीं किया, डेफिनेटली मैं करूंगा आज से। तो आज का टॉपिक का नाम है कोरोना लॉकडाउन एंड नेक पेन, नेक बर्दन पैक। ये जो नेक नेक होता है, ये कोरोना लॉकडाउन, कोविड लॉकडाउन एंड नेक पेन क्यों। तो मुझे एक बात बताइए, आप मुझे चैट में जरूर लिखिएगा, प्लीज राइट इन द चैट। आप में से कितने लोगों ने या तो फेस किया है, मैंने या तो खुद फेस किया है या सुना है कि ये लास्ट 90 दिनों में काफी लोगों को गर्दन में दर्द होना शुरू हुआ है, नेक पेन होना शुरू किया है। मुझे लिखिए, तो या तो आपने खुद फेस किया, या तो आपके घर वाले ने फेस किया है, या तो आसपास में जान पहचान में आपने सुना है कि लोग इसको फेस कर रहे हैं, कि मतलब लॉकडाउन के टाइम ये गर्दन में दर्द, मतलब ये एग्जैक्टली यहाँ पे, मैं कमर में नहीं बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली यहाँ पे जो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड जो बैक नेक है, किसी ने यहाँ पे फेस किया है, एनीबॉडी हैव फेस्ड इट। सो आप मुझे लिख सकते हैं आपने किया है, आपके आस पड़ोस ने किया, आपके घर वाले ने किया, आपके जान पहचान किसी ने किया है, एनीबॉडी या आई एम फेसिंग इट सम टाइम। ओके, तो काफी स्ट्रेंज है ना। यस, आप में से और किसी ने भी फेस किया है? यस सर जी, आपके जान पहचान किसी ने फेस किया है? एनीबॉडी? आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, राइट। काफी ताजुब का बात है ना। सच बोलूं तो मैं खुद कभी कभी फेस किया हूँ। अगर मैं आपको सच बोलूं तो यस, आई हैव आल्सो फेस्ड, और मैं काफी स्ट्रेंज हूँ। मेरा डेली पहले एक फ्लाइट होता था, एक भारी सा लगेज, उसको भी खींच खींच के ट्रैवल करता था, सेमिनार 4-6 घंटा खड़ा होकर देता था, बिना पानी पी के कभी गाड़ी में रात भर ट्रैवल करता था, नेवर नेक पेन, कभी भी यहाँ पे पेन नहीं। अब घर में बैठा है आदमी, आराम से बैठा हुआ है, उसको कहाँ से नेक पेन हो रहा है? वो भी एग्जैक्टली इस जगह में, वहाँ पे स्पॉन्डिलाइटिस होता है, बट ये स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द नहीं, ये थोड़ा कुछ अलग दर्द है, एक्सप्लेनिंग। तो काफी सारे लोग ताजुब हो गए। तो मैं भी ढूंढने लगा कि आप नया कुछ कौन सा, अभी नया कौन सा बीमारी लॉकडाउन की वजह से आ गया। तो नया कुछ नहीं है, ये डीप मेडिकल साइंस है, एंशियंट मेडिकल साइंस है, बट इसको आज मैं थोड़ा इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड इसके ऊपर भी काफी सारा जगह में रिसर्च चल रहा है, बट मैंने सोचा खुद मैं अपना एक फॉर्मुलेशन निकालूं। मैंने अभी तक बहुत सारे मेडिकल जो भी इंस्टीट्यूशन है, न्यूरोलॉजी, ब्रेन के साथ एसोसिएटेड, नेक के साथ स्पेशल एसोसिएटेड, उनके साथ मेरा चैट हमेशा चलता रहता है। I didn't get a concrete answer yet, क्योंकि अभी तक concrete answer नहीं है। तो मैंने सोचा मैं अपना ही कुछ, मतलब मैंने खुद इसके ऊपर रिसर्च किया, खुद इसके ऊपर डीपली स्टडी किया, अपना कुछ कैलकुलेशन लगाया, कुछ लॉजिक लगाया। लगाने के बाद मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, और मैं डेफिनेटली टेलीग्राम में इसको पोस्ट भी करूंगा। मैं उसको पार्ट बाई पार्ट पोस्ट करूंगा, एक साथ में पोस्ट करने से आप कन्फ्यूज हो सकते हैं या समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकते हैं। तो चलिए, ये नेक पेन हो रहा है, ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। चलिए मैं आपको बोलता हूँ ये होता कब, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये आपका पेन हो कब रहा है। ये पेन पर्टिकुलरली हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे आंसर दीजिएगा हाँ सर सही है नहीं है। क्या आपको ये पेन ये दोपहर के 2 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे तक हो रहा है? क्या ये ड्यूरेशन के बिटवीन ही आप पेन फेस कर रहे, मतलब गर्दन में थोड़ा हल्का सा दर्द दर्द फेस करे, दोपहर के 2 बजे से लेके, मतलब आफ्टर लंच से लेके, लेट्स से बिफोर डिनर, ये एक मिडिल टाइम 4-5 घंटे, 2 से 6-7 बजे तक ही आप ये गर्दन में दर्द फेस करें, थोड़ा मुझे चैट में लिखिएगा, या इसके पहले फेस करें, आफ्टर फेस करें। मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग इस वाला दर्द को, बैक नेक पेन को, दोपहर के 2 बजे से आफ्टरनून 2 PM से अराउंड 6 to 7 PM तक फेस कर रहे होंगे, आई थिंक सो। बिकॉज मैं रोज तो नहीं, कभी कभी कर रहा था, बट मैक्सिमम लोग जो मैं सुन रहा था और जहां जहां मेरा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ चैटिंग होते रहते हैं, वो लोग ये बोल रहे टाइमिंग ऑफ द पेन ये है, क्या आप भी यही टाइमिंग ऑफ द आपका पेन है? सडनली गर्दन में ऐसा दर्द, एकदम ऐसा फील हो रहा है कि एकदम माथा तक दर्द आ रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा दर्द किस प्रकार का, हड्डी में दर्द नहीं, मसल में दर्द नहीं, तो दर्द कहाँ पे? बोलते ना दर्द तो है, पता नहीं कहाँ पे,
और किसके वजह से है, सब कुछ कोरोना के वजह से अल्टीमेटली, लेकिन दर्द तो डेफिनेटली है। सो अब इसको पढ़ाते हैं, व्हाई दिस पेन इज हैपनिंग। ये कोई स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम नहीं, ये कोई जॉइंट प्रॉब्लम भी नहीं, ये कोई मसल प्रॉब्लम भी नहीं, इसे दोपहर इसके स्टार्ट हो जाता है, राइट, दोपहर से शुरू हो जाता है दर्द, करेक्ट। आई रियली फील कि मैक्सिमम लोग आपने दोपहर के 2 बजे से शाम को 6-7 बजे तक, राइट, ये टाइम होगा, किसी को भी इस बीच में कभी भी ये दर्द आ सकता है और चला भी जाता है, मतलब रहता नहीं, ये चला भी जाता है, मतलब आधा घंटे 1 घंटे आपको सताया, मैक्सिमम 2 घंटे आपको सताया, उसके बाद तो चला भी जाता है। तो काफी सारे लोग ताज्जुब है, अरे सर आप तो सही बोल रहे हो, कैसे रहे पेन, टाइमिंग भी मैं सही बोल रहा हूँ आपको पेन का। तो सबसे बोलते पेन हो क्यों रहा है, वो पेन हो क्यों रहा है उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है पेन हो हमारे ब्रेन में काफी सारे हिस्से में, उसमें डीपली नहीं जाता, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सामने का हिस्सा, मिडिल हिस्सा, पीछे का हिस्सा, या जहाँ पे आपको पेन होता है। अब हमारे इंसान दो फेजेस है, अब कुछ ऐसे ही वर्ड समझ लीजिए सचिन, दो तरीके से गाने, दो वर्शन, एक होता है ना ओल्ड वर्शन, न्यू वर्शन गाने का, एक ही गाने का, सेम वे हमारे ब्रेन भी दो वर्शन में काम करता है। बहुत इंटरेस्टिंगली सुन लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई विल पुट टेलीग्राम पोस्ट ऑन दिस आल्सो एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो आल्सो। दो वर्शन का नाम है, एक का नाम है कॉन्शियस, दूसरे का नाम है सबकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब जब आदमी अपना होश खो बैठा है, मैं धक्का एक्सीडेंट हो गया, कुछ गलत न्यूज सुना, मैं उसमें मतलब ब्रेन काम नहीं कर रहा एग्जैक्टली। तो एट द एक्टिव स्टेज, जब आप एक्टिव है, जैसे अभी आप एक्टिव है, मैं एक्टिव, हम लोग एक्टिव है, टीवी देखे तो भी आप एक्टिव है, उस स्टेज में इंसान का ब्रेन दो वर्षन में काम करते हैं, एक को बोलते हैं कॉन्शियस, दूसरे को बोलते हैं सबकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब पूरी तरह ही पता है क्या सोच रहा हो, सबकॉन्शियस मतलब आप कुछ सोच रहे हैं बट आपको भी पता आप कह रहे हैं, कॉन्शियस आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं आपको पता नहीं पता बट आप कुछ सोच रहे हैं, और वो जो सोच है जिसको हम सबकॉन्शियस ब्रेन बोलते हैं, वो कुछ इस जगह में है, जहां पे देखिए मैं बार बार दिखा रहा हूँ, जहां पे आपको गर्दन में दर्द हो रहा है उसके ऊपर का जो ब्रेन का हिस्सा है, एंडिंग ऑफ द ब्रेन, हाइंड ब्रेन बोलते हैं, हाइंड ब्रेन जो बहुत सॉफ्ट होता है, आपको पता नहीं, वो जगह बहुत सॉफ्ट होता है, अगर किसी को घूसा मारे तो इमिडिएटली वो मर भी सकता है, वो ऐसा मतलब अनकॉन्शियस भी हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि आप सोच रहे हैं सर प्लीज यहाँ पे क्वेश्चन मत लिखिए, दिस इज नॉट राइट, हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे हैं, प्लीज आप इस तरह का क्यों क्वेश्चन लिख रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन, आपको सुनना है नहीं सुनना है, इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं सुनना है तो बोल दीजिए सर नहीं सुनना है, सिर्फ कॉम्बिनेशन पूछना है तो ठीक है, कॉम्बिनेशन ही पूछते हैं, बताते हैं टॉपिक, अब बेकार का क्यों ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, जो टॉपिक में बात है उसको सुनिए, नहीं सुनना है तो यार मेरे को बोल दीजिए सर नहीं सुनना है, तो मेरे को इतना खटने का भी जरूरत नहीं, इतना दिमाग लगा के रिसर्च करके भी मुझे आप तक पहुंचाने का जरूरत नहीं, अगर आपको नहीं सुनना है तो अब बेकार का क्यों मुझे ये सब सवाल पूछ रहे हैं, यू गिव अ टाइम, अभी तक प्रोग्राम खत्म नहीं, चल गया मर गया, यू गिव अ टाइम, व्हाट इज दिस, this is really not a professional way, so please cooperate kare, aapke wajah se ho sakta hai 210 log ya phir kuch pareshani ho raha hai, don't let's not spoil the mood yaar, ek dusre ke sath cooperate karte hai na, right, so let's understand, maine bola na conscious aur subconscious, conscious matlab what is the meaning of conscious brain, matlab आप अभी देखिए मैं जो चाहता हूँ अभी बोल रहा हूँ, आप मुझे सुनना चाहते हैं तो मुझे सुन रहे हैं, इट मीन्स क्या है दोस्तों, कॉन्शियस में, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉन्शियस मतलब आप जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं, अपने ब्रेन को वहां पे यूज कर रहे हैं, मैं भी जो चाह रहा हूँ वो भी वहां पे मैं ब्रेन को यूज कर रहा हूँ, मैं जूम मीटिंग में आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए यूज कर रहा हूँ, आप जूम मीटिंग में मेरे से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपने ब्रेन को यूज कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड कॉन्शियस, कॉन्शियस इसलिए कॉन्शियस मतलब बोलते हैं पूरा होश में, सबकॉन्शियस मतलब आधा होश में, और अनकॉन्शियस मतलब बेहोश, यू गॉट माय पॉइंट, कॉन्शियस मतलब होश, सबकॉन्शियस मतलब आधा होश, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश, बेहोश तो आप समझते हैं, तब आदमी को पता नहीं क्या हो गया उस टाइम, दुनिया में क्या हो गया वो भी पता नहीं होते, तो थोड़ा सा समझते कॉन्शियस वाले को थोड़ा सा इजिली समझ,
इस वाला को आप थोड़ा इजीली समझना चाहते कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम इसको समझ सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन का टाइम हो क्या रहा है, देखिए जब हम एक्टिवली काम करते हैं कोई चीज में एक्टिवली इन्वॉल्व है तो पूरी तरह हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है पूरी तरह इन्वॉल्व रहता है, फुल्ली इन्वॉल्व रहता है हमारा कॉन्शियस ब्रेन। और कोई एक काम में हम बहुत गहरे तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं उस टाइम वो कॉन्शियस ब्रेन काम करता है, लेकिन बाद में उस काम के बारे में या वो चीज के बारे में या वो इंसान के बारे में या वो सिचुएशन के बारे में हम सोचते रहते हैं, हमें पता नहीं हम सोचते हैं, उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन मतलब आपको मैं कैसे बता रहा हूँ, आपने लेट से आज कुछ इंटरेस्टिंग सुना, कल हमने बात किया था इंटरेस्टिंग टॉपिक थायराइड, आप में से बहुत लोग थे, सो आपने थायराइड को सुना राइट, अच्छे से लाइव सुना, थायराइड सुना समझा। उसके बाद अगर आप टीवी भी देख रहे हैं, जब ये थायराइड का टॉपिक नहीं आप टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आप ऐसे बैठे हुए हैं, रात को सोए हुए हैं, मतलब जब आप नहीं सो गए बस आप सोचिए आउट ऑफ दिस ऑडियंस बिजनेस में ऐसे आप नॉर्मली टीवी देख रहे हैं फैमिली के साथ बैठे, बिकॉज आपने थायराइड का टॉपिक को अच्छे से सुना, उसके बाद आपके ब्रेन में ये स्टोर हो गया। तो दोस्तों ब्रेन में वो स्टोर कहाँ हो जाते हैं, स्टोर वो हो जाता है पीछे का जो ब्रेन है हाइंड ब्रेन, जिसको बार बार बोल रहा सॉफ्ट स्किन वाला ब्रेन में वो स्टोर हो जाते हैं, वो जगह को हाइंड ब्रेन बोलते हैं। वहां पे कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं जो इंफॉर्मेशन आपको बार बार टिक टिक करते हैं, मतलब आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो खराब हो सकती है इन्फॉर्मेशन, चाहे वो अच्छा हो सकता है, मतलब चाहे वो गुड न्यूज हो सकता है, चाहे वो बैड न्यूज हो सकता है, चाहे वो आपका मतलब दोनों ही आपका काम का, बैड न्यूज भी आपका काम का है क्योंकि आप उससे बाहर आना चाहते हो, बैड सिचुएशन गुड सिचुएशन क्यों आप उससे खुश होना चाहते हो, एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट सिचुएशन स्टोर हो जाते हैं हाइंड ब्रेन में। वन मोर टाइम, एनी इंपॉर्टेंट सिचुएशन राइट, वन कोई भी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, अनइंपॉर्टेंट चीज वो आहिस्ते आहिस्ते ब्रेन से डिलीट हो जाते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज फिर से बोलो, चाहे वो गुड न्यूज हो या चाहे वो बैड न्यूज हो, फॉर एग्जाम्पल आपका तरक्की हुआ मतलब आपका इंक्रीमेंट हुआ या आपका बोनस बढ़ा, आपका पोजीशन बढ़ा, वो भी बहुत ज्यादा गुड न्यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आपका बहुत तरक्की हुआ ऑडियंस में या कोई नौकरी में, तो वो भी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा हाइंड ब्रेन में। और एग्जाम्पल कि आपका काम नहीं बन रहा है ऑडियंस में, आपका पोजीशन नहीं आ गया और आपका बिजनेस नहीं और आपकी इनकम नहीं हो रहा है, वो भी पूरी टाइम वो भी पूरा टाइम यहाँ पे बैठा रहेगा हाइंड ब्रेन में, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है बट नेगेटिव न्यूज है बट है बहुत इंपॉर्टेंट, और एक पॉजिटिव न्यूज है कि आप अचीवमेंट कर गए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी आप स्टोर हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द हाइंड ब्रेन का स्टोरेज। मैं पर्टिकुलरली आज कोविड लॉकडाउन और ये वाला गर्दन का बात ही करूंगा, ब्रेन बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे फोकस कर रहा हूं। सो यू कैन अंडरस्टैंड वन थिंग कि कोई एक चीज में अगर आप डीपली गहरा तरीके से इन्वॉल्व है, मैंने बहुत ही डीपली उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो वो चीज कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में दौड़ता रहेगा, आपको पता भी नहीं आपके अंदर दौड़ रहा है। और वो कहाँ पे दौड़ता है, ब्रेन के एक्टिव पार्ट में नहीं, ब्रेन का स्टोरेज पैसिव पार्ट में, जिसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन, HIND हाइंड ब्रेन में लिखूंगा कि आपको इजीली समझ में आएगा टेलीग्राम पोस्ट में जब मैं लिखूंगा। सो अब कोरोना लॉकडाउन की वजह से ये दर्द क्यों हो रहा है और ये दर्द का टाइमिंग ऐसा क्यों है, सबसे बड़ा बात है आपने ताजुब हो गया सर दर्द है वो भी सच बोला आपने, और टाइमिंग भी आपने करेक्ट बोला, कैसे करेक्ट बोला, मैंने करेक्ट नहीं बोला, जो मार्केट ने बोला वही आपको बताया, बिकॉज देन केम द इनोवेशन की क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, इसको रोका कैसे जा सकते हैं, रोका कितना जा सकते हैं नहीं जा सकते, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, आज नहीं तो हो सकता है कल इसके ऊपर बात करेंगे, बट आज इस प्रॉब्लम को पहले समझते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए जब कोई भी एक चीज स्टोर होके बैठता है पीछे, तब वो चीज वहां पे रह जाता है और आप चाहे या नहीं चाहे वो आपके दिमाग के अंदर है। वो आपके अंदर कैसे भी आपके अंदर एक सर्कुलेट होते रहते हैं, बोलिए सर्कुलेशन होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप सिचुएशन को समझेंगे ना तो इस टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाएगा, आपको मुश्किल नहीं होगा इस टॉपिक को समझना। तो मैं आपको एक सिचुएशन बोल रहा हूँ, सिचुएशन ये है, ऐसा सोचिए कि एग्जांपल आपका कोई एक अचीवमेंट हुआ या आपका कोई एक अच्छा चीज हुआ, आपका कोई अगर एक चीज अच्छा हो गया तो आप उस चीज को कॉन्स्टेंटली याद करते रहते हैं, आपका कोई एक चीज अगर बुरा हो गया तो उस चीज को कॉन्स्टेंटली भी उस चीज को भी आप कॉन्स्टेंटली याद करते रहते हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, आपका अगर कोई चीज अच्छा हो गया तो भी वो चीज को आप कॉन्स्टेंटली याद करते रहते, कोई चीज अच्छा नहीं हुआ तो भी इस चीज को कॉन्स्टेंटली आप याद करते रहते हैं, am I right or not? आप मुझे आप चैट, आप अगर कोई चीज आपके लाइफ में अच्छा हुआ तो भी बार बार हुआ आपके दिमाग में आते आते रहते हैं बहुत अच्छा हुआ, कोई चीज अच्छा नहीं हुआ तो भी आपके दिमाग में आता रहता है कि वो चीज अच्छा नहीं हुआ, am I right or wrong? मुझे आप चैट लिख सकते हैं, could you get me? राइट, आप मेरा क्वेश्चन को समझ पाए राइट, तो आप मुझे लिख सकते हैं, कोई चीज अच्छा हो गया वो भी आपको बार बार होता रहता है, अच्छा हुआ अच्छा हुआ, बुरा हुआ तो भी आपके दिमाग में चलता रहता है बुरा हुआ बोल के। राइट, आप लोग मुझे लिख चुके मैसेज, ओके
करेक्ट, मतलब कोई भी चीज अगर हमारे साथ अच्छा हुआ तो उसको भी हम पूरी तरह याद रखते हैं, और कोई चीज हमारे साथ ठीक नहीं हुआ उसको लेके भी हम परेशान ऑलवेज रहते हैं, मतलब वी ऑलवेज हैव अ डिस्ट्रैक्शन, हमें ऑलवेज हमारे अंदर एक परेशानी कैसे भी होता रहता है कि ये चीज हुआ नहीं, ये चीज हुआ नहीं, ये चीज हम आपको सता रहा है, मतलब वो चीज हुआ, प्रॉब्लम हुआ एक बार लेकिन आपको सता रहा है बार बार। सेम वे कोई चीज अच्छा हुआ एक बार बट खुशी आपको दे रहा है बार बार। आर यू विथ मी? ऐसा सोचिए कि आप कुछ इस प्रकार से सोच सकते हैं कि आपका कोई एक बच्चा है, जस्ट इमेजिन आपका कोई बेटा है बेटी, मतलब यू हैव अ चाइल्ड, अब वो स्कूल में जाते हैं या जाती है और उसको बहुत अच्छा मार्क्स आए, जब उसको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा तो आप ऑल द टाइम, मतलब पूरा टाइम यू विल बी एक्चुअली वेरी फील वेरी हैप्पी, अब एनी टाइम बहुत हैप्पी फील करेंगे कि मेरा बेटा बेटी, मतलब माय चाइल्ड, मेरा जो बच्चा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, पूरा टाइम आप हैप्पी रहेंगे, मतलब उसका मार्क्सशीट एक ही बार आया, देखिए उसका मार्क्सशीट तो 6 महीने में एक ही बार आया सेमिस्टर में, बट आप पूरा टाइम हैप्पी होते रहेंगे। ये हमारे माता पिताजी के साथ भी यही हुआ था जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, आप पूरा टाइम हैप्पी होते रहेंगे, पूरा टाइम अच्छा फील करेंगे, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई वो कर चुका है, एग्जाम का रिजल्ट भी आ चुका है, अब नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है 4-6 महीने बाद, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में चलेगा कि आपके कोई भाई बहन है, ऐसा सोचिए, अगर आप मैरिड नहीं, मैं भी नहीं हूँ, तो आपका कोई छोटा सा भाई बहन है उसके बारे में ऐसा सोचिए, अरे मेरा भाई, मेरा बहन या मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत अच्छा पढ़ाई कर रही, बहुत अच्छा स्टडी कर रही, वो कर चुकी है, उसका एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, अब नेक्स्ट एग्जाम में क्या होने वाला है आपको पता नहीं, वो पढ़ रही है अभी, वो सच में पढ़ाई कर रही है या वो बुक लेके ऐसे बैठी है या किसी के साथ चैट कर रही है बुक लेके, वी डोंट नो दैट, बट जो हो चुका है वो चीज कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में दौड़ता रहता है। जस्ट ऑपोजिटली अगर वो पहले सेमेस्टर में बहुत खराब मार्क्स लाई, सबसे क्लास में लास्ट आई, इसको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, वो चीज भी आपके दिमाग में दौड़ता रहता है कि ये एग्जाम आ रहा है अब क्या होगा, ये एग्जाम आ रहा है अब क्या होगा, मेरा तो बेइज्जती होगा, मेरे बच्चा का रिजल्ट खराब रहेगा तो आस पड़ोस क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा बच्चा अच्छा नहीं है, तुम्हारा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, वो चीज भी आपके दिमाग में कॉन्स्टेंट दौड़ता ही रहेगा, कि मतलब आपको ये फील होते जाएगा, ये अंदर में डर होते जाएगा, ये एग्जाम में भी आपका बच्चा फेल होने वाला है या आपका बच्चा सबसे कम मार्क्स लाने वाला है, और अगर उसने पहले बहुत बढ़िया मार्क्स लगाए तो ये फील होते जाएगा कॉन्स्टेंटली, इस बार भी वो बहुत बढ़िया मार्क्स लाएगा क्योंकि मार्क्स लाने वाले में से ही। सो इट मींस जो अच्छा चीज हो चुका है आपके साथ या हो रहा है, आपको लगता है आने वाला टाइम में भी होगा, और जो बुरा चीज हो रहा है या प्रॉब्लमेटिक चीज हो रहा है, आपको लग रहा है आने वाला टाइम में वही प्रॉब्लम होगा, मतलब आपको सोल्यूशन नहीं दिखता है। दिस इज कॉल्ड द सबकॉन्शियस ब्रेन। वन मोर टाइम, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, दिस इज कॉल्ड द सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन मतलब जो चीज ऑलरेडी हो चुका है, अब वो चीज हो रहा है या हो चुका है, लेकिन हम आने वाले टाइम में सोच रहे हैं वही चीज होने वाला है, या तो अच्छा है या तो बुरा। जस्ट लाइक दैट, कुछ ऐसा एग्जांपल लीजिए, आपने एक हफ्ते में 10 ज्वाइनिंग निकाला, दैट्स वेरी गुड रिजल्ट, आपने डायरेक्टली जाके 10 कस्टमर को 10 ज्वाइनिंग निकाला, मतलब 10 1D 2D निकाला, मतलब आपने अच्छा एक बिजनेस किया, आपको इनकम आया, इनकम से भी ज्यादा आपका जो टारगेट था फुलफिल हो गया, एक हफ्ते में 10 ज्वाइनिंग, यस, तो आपको ये फीलिंग होगा नेक्स्ट जो हफ्ता आ रहा है, नेक्स्ट जो क्लोजिंग आ रहा है, नेक्स्ट हफ्ते में भी आपका 10 ज्वाइनिंग निकलने वाला है या 20 भी निकल सकता है, आपके अंदर ये दिमाग में चलता रहेगा। अब जब गाड़ी चला के किसी को मिलने के लिए जाओगे, बस में जाओगे, चल के जाओगे, मीटिंग से पहले जाओगे, आपके दिमाग में ये चलता जाएगा, क्या ये तो ज्वाइन होगा, मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, ये तो ज्वाइन होगा। इट मीन्स इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मोटिवेशन। और अगर आपका एक हफ्ते में एक भी ज्वाइनिंग नहीं, आप सब जगह गए, ज्वाइनिंग एक भी नहीं हुआ, काम एक जगह भी नहीं बना, बिजनेस एक जगह से भी नहीं निकला, तो आप नेक्स्ट हफ्ते भी जाओगे तो आपको वो डर सा फीलिंग होगा, लगता है कोई ज्वाइन होगा नहीं ऑडियंस में, लगता है मेरे बस का है नहीं, लगता है जा रहा हूँ पता नहीं होगा, लगता है जा रहा हूँ पता नहीं होगा शायद नहीं होगा, ऐसा लगता है। इट्स कॉल्ड इंड्यूस्ड डीमोटिवेशन। इंड्यूस्ड मतलब आपको किसी ने भी नहीं किया मोटिवेट, आपको किसी ने भी नहीं किया डीमोटिवेट, सिचुएशन दिमाग के अंदर ऐसा बैठ गया सबकॉन्शियस ब्रेन में कि आइदर वो सिचुएशन अगर पॉजिटिविटी में है तो आपको इंड्यूस्ड मोटिवेशन कर रहा है, अगर वो सिचुएशन नेगेटिव है तो आपको एक इंड्यूस्ड डीमोटिवेशन कर रहा है। वन मोर टाइम, क्या कर रहा है? इंड्यूस्ड मोटिवेशन, मतलब जो किसी ने आकर आपको ना मोटिवेट किया ना किसी ने आपको डीमोटिवेट किया, सिचुएशन ऐसा बना और वो दिमाग के अंदर ऐसा बैठ गया, कंडीशन ऐसे बने दिमाग के अंदर ऐसा बैठ गया कि आइदर वो आपको मोटिवेट कर रहा है या तो आपको वो डीमोटिवेट कर रहा है। तो अब कोविड लॉकडाउन ने क्या किया, अभी आप बोलेंगे सर कोरोना लॉकडाउन ने क्या किया, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ वो चीज कहाँ स्टोर हो जाता है, वो चीज स्टोर हो जाता है आपका हाइंड ब्रेन में, जहाँ पे मैं बार बार दिखा रहा हूँ, अब सब लोग कैमरा में जो भी लोग हैं, जो जिनको भी
जिनको मैं देख रहा हूँ कैमरे में, सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, कहा हाइंड ब्रेन है पकड़ के दिखाइए, कहाँ पे हाइंड ब्रेन, सब लोग कैमरे में पकड़िए, हाइंड ब्रेन को पकड़िए, मैं सबका कैमरा चेक करूंगा, पकड़ के रखिए, मैं सबका चेक करूंगा क्या सबने सच में अपने हाइंड ब्रेन में दिखाया या आप कोई प्लास्टिक फास्टिक को लेके काम कर रहे हैं, मैं वो देखना चाहूंगा कितने लोग हाइंड ब्रेन को सच में पकड़े, राइट राइट करेक्ट, मैं देख रहा हूँ कि आप सच में हाइंड ब्रेन, यस दिस इज वायर द हाइंड ब्रेन इज करेक्ट। तो आप सोचिए आपका जो भी चीज बिहाइंड ऑन द हेड जस्ट अबव द नेक, बिहाइंड ऑफ द हेड जस्ट अबव द नेक, मतलब नेक शुरू होने से पहले वहाँ पे फिनिशिंग, मतलब ब्रेन का फिनिशिंग, हाइंड ब्रेन छोटा सा जगह है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह और बहुत ही सेंसिटिव जगह, वहाँ पे किसी को एक पंच मारने से इमीडिएट मार भी सकता है सेंसिटिव स्टेज में। सो इट मीन्स कि जो भी चीज स्टोर होता है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, हाइंड ब्रेन में। सो इट मीन्स अब कोविड लॉकडाउन में हुआ क्या, कोरोना लॉकडाउन में हुआ क्या, तो उसको समझाने के लिए मैं फिर से एक ऑप्शन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझ के आंसर दीजिएगा। अगर कोई चीज आपको खुशी दे रहा है, कोई एक चीज खुशी वाला चीज आपके साथ अभी हो रहा है या हो रहा था या अभी भी हो रहा है, वो चीज आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहा है, सबकॉन्शियस हैप्पीनेस, और कोई चीज खराब हो रहा है तो आपको सबकॉन्शियस सैडनेस या सबकॉन्शियस टेंशन दे रहा है। तो आप मुझे बताइए अगर खुशी हुआ और थोड़ा सा दुखी हुआ व टेंशन हुआ, कौन से टाइम में आपके ब्रेन में दर्द हो सकता है, मुझे बताइए आपके ब्रेन में दर्द या कहीं पे भी दर्द कौन से टाइम में होगा, जब खुशी होंगे या जब टेंशन में दुखी होंगे, कौन सा वाला होगा, ऑप्शन वन खुशी होंगे या ऑप्शन टू टेंशन या दर्द में होंगे, कौन सा टाइम में आपके बार बार कहीं पे दर्द दे सकता है, मतलब व्हिच प्लेस कैन बी एक्चुअली गिविंग यू पेन, आपके ब्रेन में खुशी स्टोर्ड है या दुख स्टोर्ड है, कौन सा चीज आपको दर्द देगा, कौन सा चीज आपके ब्रेन को अच्छा रखेगा, ऑप्शन टू राइट बिल्कुल, ऑप्शन टू कि आपका ब्रेन को दर्द देगा, आपको एक परेशान करके रखेगा कोई एक चीज, इसका मतलब कोरोना लॉकडाउन तो सत्ता था ना दोस्तों, आप में से यहाँ पे 200 अभी हमारे पास 215 पार्टिसिपेंट है, मुझे 220 है, 5 और भी एंट्री हो रहे हैं व्हाट आई कैन सी, अब मुझे बताइए 220 यहाँ पे हम लोग एक साथ हैं, यहाँ पे 220 में से कोई भी एक है तो काइंडली मुझे लिखिएगा सर आई एम देयर, कोई भी आप में से ये एक है जिसने लॉकडाउन को 30 दिन तक तो अच्छा लगा, रेस्ट मिल रहा था, घर परिवार के साथ रह रहा था, एक अच्छा था, इट वॉज अ वैकेशन, बट ये मुझे बताइए आप में से कोई है जो लॉकडाउन को अभी तक भी इंजॉय कर रहे हैं, एनीबॉडी आप में से कोई जो अभी भी लॉकडाउन घर में बंदे हैं, काम नहीं कर पा रहे, बाहर नहीं जा पा रहे, इनकम नहीं कर पा रहे, सिक्योर फ्यूचर नहीं, आप में से कोई लॉकडाउन को इंजॉय कर रहे हैं, और लॉकडाउन होने दो और चलने दो, घर में बीवी के साथ रह सकता हो, बच्चों के साथ रह सकता हो, एनीबॉडी इंजॉइंग दिस एनी मोर इंजॉइंग दिस, पहले 15 दिन इंजॉय किया होगा, अच्छा भी लग रहा था, मैं भी इतना ट्रैवल करता था, भागता था, टायर्ड होता था, 15 दिन घर में रहे, वैकेशन टाइप का है वो, उस टाइम अच्छा लग रहा था, बट स्टिल टूडे अभी तक किसी ने 2 महीना इंजॉय कर लिया, 3 महीने इंजॉय कर लिया, आप में से कोई भी यहाँ पे है जो ये दुआ कर रहे ऊपर वाले से कि लॉकडाउन और आगे बढ़े, मतलब और 6 महीने बढ़े, सब लोग अटके रहे, आप में से एनीबॉडी फीलिंग लाइक दैट, एनीबॉडी प्रेइंग लाइक दैट, नो ना, क्योंकि आपको पता है इनकम बंद, अगर ऑडियंस के एक फुल टाइम लीडर है या कोई जॉब करने वाला है या कोई दुकान चलाने वाला है या कोई रिक्शा चलाने वाला है, सबको पता है गांधी जी आना बंद, अब गांधी जी नहीं है तो आजादी कहाँ से होगा, गांधी जी नहीं है तो आजादी कहाँ से होगा, मतलब फाइनेंशियल आजादी कहाँ से होगा, जिंदगी में आजादी कैसे होगा अगर गांधी जी नहीं है, गांधी जी आजादी दिलाते हिंदुस्तान को, तो यहाँ पे भी गांधी जी का नोट क्या होता है, जिंदगी में आजादी दिलाते जब पैसा आता है, राइट और नॉट, सुनने में आपको कड़वा लग रहा होगा, बात यही सच्चा है। सो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, द मीनिंग इज वेरी सिंपल कि एवरी टाइम हमें एक चीज तो सता रहा है, ये लॉकडाउन कहाँ तक लेके जाएगा, हमें किस पोजीशन में लेके जाएगा, क्या होगा, ये आपको सता रहा है ऑल द टाइम, बट इसके लिए इसके बारे में सोच रहा है कुछ टाइम, लेकिन हमें लग रहा है कि हम इसके बारे में कुछ टाइम सोच रहे हैं, तो ये कुछ टाइम के लिए दिमाग में है, दैट इज वेयर वी आर रॉन्ग, जहां पे मेडिकल साइंस आ जाता है, हम सोच रहे हैं कुछ टाइम के लिए, 1-2 घंटे के लिए, लेकिन जो हमने वो चीज को बहुत डीपली उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया, लॉकडाउन क्या होगा उसके अंदर डीपली अपने ब्रेन को इन्वॉल्व कर दिया, जब हमने अपने ब्रेन को डीपली इन्वॉल्व किया तो ब्रेन का ये हिस्सा काम पे नहीं आया, ये हिस्सा काम पे आया जो सबसे बड़ा एक्टिव हिस्सा है, ये हिस्सा घुस गया, आपका कोई फोन आया, आपने कोई चैट किया, आसाम लॉकडाउन, वेस्ट बंगाल के एरिया लॉकडाउन, नेपाल के एरिया लॉकडाउन, तो आप इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट में मैं नहीं जा पा रहा, मेरा कोई ज्वाइनिंग हो सकता अगर मैं जा सकता था, नेपाल में नहीं जा पा रहा, बंगाल में नहीं जा पा रहा, आसाम में नहीं जा पा रहा, अरुणाचल सिक्किम कहीं पे नहीं जा पा रहा, सो दिल्ली पूरा एकदम सील होकर बैठे ऑलमोस्ट न्यू दिल्ली, तो आपको क्या फीलिंग हो रहा है, मैं इस जगह से उस जगह अगर जा पाता था आज, तो यार 6,000 का ज्वाइनिंग लगता था, रिटेल करके भी 1,000-1,500 कमा लेता था, मैं एज ऑडियंस लीडर की तरफ से बात करूं, बाकी सेक्टर्स में भी आता हूं, तो आपको क्या हुआ उस टाइम, रिग्रेट, या आपको फील हुआ यार मिस कर गया मैं,
अरे यार आज का इनकम मिस हो गया, आज का बिजनेस मिस हो गया, कस्टमर भी मिस हो गया, मेरा ये फ्यूचर में बहुत बड़ा काम भी आ सकता था वो मिस हो गया। वो आपके ब्रेन में मैक्सिमम आधा घंटा आप उसमें इन्वॉल्व थे, फोन में बात कर रहे थे, शायद आपने किसी को पूछा वहाँ पे जाने अलाउ कर रहे हैं, बस चल रहा है वहाँ पे, गाड़ी चल रहा है, टैक्सी लेके जा सकते, साइकिल लेके जा सकते, ट्रेन है, कुछ उपाय, जाऊंगा तो अच्छा बिजनेस आएगा। नहीं उपाय, नहीं यार नहीं हो सकता, पूरा ट्राई करने के बाद नहीं हो सकता। आपको लग रहा है कि आप उसके अंदर ओनली आधा घंटे इन्वॉल्व थे इन द फोन कॉल और मे बी चैटिंग और सम वे, आप उसके अंदर मैं बोल रहा हूँ 2 घंटे इन्वॉल्व थे, बस 2 घंटा, 2 घंटे के बाद आप उस ड्यूटी को छोड़ दिया क्योंकि वो हो नहीं रहा है, मतलब ओवर, आप तो कुछ नहीं कर सकते। हमें लग रहा है कि हम ओनली 2 घंटे इन्वॉल्व है, दिस इज वेयर वी आर रॉन्ग, हम 2 घंटे इन्वॉल्व नहीं है। वो 2 घंटा हमारा ब्रेन का ये हिस्सा इन्वॉल्व था, द मिड ब्रेन, एक्टिव बड़ा सा हिस्सा, इसको बोलते हैं फ्रंट ब्रेन, जो आपका यहाँ पे माथा सामने, ये होता है मिड ब्रेन, ये जब इन्वॉल्व था उसके अंदर, वो 2 घंटा जब आप या तो जा पाएंगे या तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन जब आप नहीं जा पाए, आपको लग रहा है चैप्टर वहां पे ओवर हो गया आज के लिए, दैट इज वेयर द मिस्टेक इज। ये यहाँ पे एक्टिव था बट यहाँ पे अभी ये यहाँ से डिलीट हो गया, लेकिन कहीं पे स्टोर हो गया, कहाँ पे स्टोर हो गया, यहाँ पे हाइंड ब्रेन पे, यहाँ पे स्टोर हो गया हाइंड ब्रेन पे। अब इसका एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ जो इजी होगा। आप लोगों में से कितने लोग कंप्यूटर चलाना जानते हैं, मुझे थोड़े यहाँ पे चैट लिखिए तो सर मैं चैट, आई नो हाउ टू, हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू रन ए कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, कितने लोग चलाना जानते हैं, मुझे आप लिखिए, मोबाइल नहीं बोलो, कंप्यूटर बोल रहा हूँ। आप लोगों में से कितने लोग कभी लाइफ में अपने कंप्यूटर चलाए या चला रहे हैं, चलाना जानते, तो मैं चीज आपको बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। राइट, आपने से बहुत लोग कंप्यूटर चलाना नॉर्मली जस्ट कंप्यूटर खोलना, फाइल रखना, वर्ड फाइल करना जानते हैं। राइट, आपने से मैक्सिमम लोग कंप्यूटर चलाना जानते, जानना चाहिए आज के टाइम में। मैं भी बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, बेसिक चला लेता हूँ, मैं आईटी उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, ग्राफिक्स आईटी में, बट बेसिकली चला लेता हूँ, तो एटलीस्ट बेसिक तो चलाना हमारे लिए बहुत जरूरत है। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सबने कंप्यूटर, आई एम अ टेक सेवी, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ तो आप सब लोग इस चीज को समझ जाएंगे। लेट्स से कंप्यूटर में एक पिक्चर आपने रखा था, वो आपके डेस्कटॉप में था, वन मोर टाइम, पिक्चर या कोई फाइल है कुछ, कहाँ रखा था आपने, डेस्कटॉप में, कोई ऐप भी था वो कहाँ रखा था आपने, डेस्कटॉप में। राइट, अब आपने सोचा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपने क्या बोला मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो आपने क्या कर दोगे, उसको राइट क्लिक करोगे, डिलीट करोगे, हो गया डिलीट। लेकिन सच में वो डिलीट हो गया था, डिलीट नहीं हुआ, वो ट्रैश में जाके देखिए वो अभी भी वहां पे पड़ा हुआ है। आर यू विथ मी, आया आपको समझ में? आप जाके ट्रैश में देखिए, ट्रैश फाइल होता है ना, ट्रैश में देखिए वो अभी वहां पे पड़ा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं पे अब और भी उसको एक स्टेज डिलीट होना बाकी है, वहां से डिलीट करेंगे तो ही फाइनली वो कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से आउट होगा, वरना वो पड़ा रहेगा कंप्यूटर में, आपको नहीं दिख रहा है, किसी को भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि काम का है नहीं, इसलिए आपने उसको अपने सामने से हटा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीछे बैठा हुआ है, उसको वहां से हटाना अभी बाकी है। आर यू विथ मी, कैन यू गेट मी? मैं बेसिक कंप्यूटर जानता हूँ इसलिए आपको ये बोल पाया, मैं बहुत एडवांस आपको कोई और एग्जांपल दे पाता, बट आई डोंट नो सो मच एडवांस ऑफ द कंप्यूटर, बट जितना बेसिक जानता हूँ उस हिसाब से आपको बताया। आपने अगर डेस्कटॉप से भी डिलीट किया, आपको लगा वो डिलीट हो गया, डन हो गया, इसका किस्सा खत्म, बट किस्सा वहाँ पे खत्म नहीं हुआ दोस्तों, किस्सा कहाँ पे शुरू होगा कि वो ट्रैश में बैठा हुआ है। मतलब ऐसा हो गया कि आप, मैंने घर में आप एक लड़का, एक आदमी का एग्जाम्पल, एक लड़का है, वो एक आपका खूबसूरत लड़की का पिक्चर डेस्कटॉप में था, मतलब ऐसा इमेज, आपने सोचा अभी माता पिताजी आ जाएंगे या कोई आ जाएगा देखेगा, तो आपने क्या कि उसको डिलीट किया, वो डिलीट नहीं हुआ है अभी तो, वो ट्रैश में पड़ा हुआ है। तो आप सोच रहे हैं अरे मेरे यहाँ पे लड़की का पिक्चर, तो दोस्त लोग, भाई बहन या माता पिता देखे क्या बोलेंगे, आपका बीवी देखे क्या बोलेगा, ये सब सोच सकते हैं। तो आपने उसको ऐसे डिलीट किया, लेकिन डिलीट करने से डिलीट नहीं हुआ, अभी भी ट्रैश वहाँ पे पड़ा हुआ है। वहां से डिलीट करने के बाद वो एकदम कंप्यूटर से आउट, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से उसका किस्सा। तो एग्जांपल को कुछ ऐसे ही सोचिए, जो डेस्कटॉप है वो है आपका ये माथा, मिड ब्रेन, एक्टिव वाला पार्ट, राइट, सेव, करेक्ट, सेव, ताकि वहां से डिलीट हो जाए तो दिखेगा नहीं आपके घर वाले को, कोई लड़की का फोटो लगा के बैठे थे आप, है ना, उसको पसंद करते से लगा के बैठे, तो उसको डिलीट ट्रैश से भी करना रहेगा, वरना कोई आके बाद में फटाक से बाद में आ सकते वापस। सो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो आप डेस्कटॉप देख रहे हैं एक्टिव मोड में, जहां पे आपका काम का चीज है, वो आपने डेस्कटॉप में रखा था, वो डेस्कटॉप के, वो डेस्कटॉप को आप क्या सोच सकते हैं, द मिड ब्रेन, एक्टिव ब्रेन। बट वो जो आपने डिलीट किया, आपको लगा डिलीट हो गया, और बट वो ट्रैश में छुप के बैठा हुआ था, उसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। वहां से अभी तक कंप्यूटर के ट्रैश से डिलीट नहीं हुआ है, वो स्टिल वहां पे पड़ा हुआ है, वहां से डिलीट होगा तो उसका किस्सा खत्म होगा। तो हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है, जो हमारा ब्रेन का है, आप सोचिए आपका वो डेस्कटॉप का जो सामने है
पे काम आता है वो डेस्कटॉप का सामने का जगह है आपका मिड ब्रेन, मतलब मिड फ्रंटल ये वाला एरिया, नॉन हाइंड सोचे, हाइंड छोड़ के बाकी हिस्सा, लेकिन जो आपका वो ट्रैश है जहाँ पे डिलीट होने के बाद भी माल पड़ा रहता है उसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन। इसका मतलब 2 घंटा आपने सोचा मैं नहीं जा पाया, छोड़ो आज के लिए, छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, आपको लगा ना 2 घंटे के लिए आपने छोड़ दिया तो आपको लगा डिलीट हो गया वो चैप्टर। दोस्तों वो चैप्टर डिलीट नहीं हुआ, वो चैप्टर वो ट्रैश फाइल में पड़ा हुआ था, उस ट्रैश फाइल का नाम ब्रेन में बोलते हाइंड ब्रेन। क्या बोलते हैं दोस्तों? दिस इज द हाइंड ब्रेन। आया मेरा एग्जांपल समझ में? कुड यू अंडरस्टैंड माय एग्जांपल? मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, मतलब हमें लग रहा है हमारे दिमाग से वो डिलीट हो चुका है बट हुआ नहीं, इसलिए बार बार परेशान कर सकता है, बार बार खुशी भी दे सकता है। आपने सुना कि आप फर्स्ट आए हैं, आपका अचीवमेंट हुआ है, आपके दोस्त का, भाई का, वाइफ का, हस्बैंड का कुछ अच्छा हुआ है, वो लगा कि आपको ओनली एक आधा घंटा सुना, एक घंटा सुना, हो गया उसका चैप्टर ओवर, चैप्टर ओवर नहीं हुआ है, वो जाके यहाँ पे हाइंड ब्रेन में ट्रैश फाइल जैसा वहां पे स्टोर होके बैठा हुआ है। अब आपने खुद ही मुझे आंसर दिया और आंसर बिल्कुल करेक्ट था कि अगर कोई चीज आपको खुशी वाला है तो आपके दिमाग को अच्छा रखेगा, और कोई चीज आपको प्रॉब्लम वाला है तो बार बार सताएगा, इट विल बी डिस्टर्बिंग यू कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली। तो एवरीडे क्या होने लगा दोस्तों, एवरीडे क्या फीलिंग होने लगा, आज जाऊंगा आज कुछ होगा, या इस हफ्ता या आने वाले हफ्ता अब तो ठीक हो जाएगा, अब बाहर जाऊंगा, फिर से वही कहानी, लॉकडाउन और लॉकडाउन। पहले आसाम गुवाहाटी में क्या था खड़ा पुलिस रोड में आपको रोकने के लिए, अब आर्मी स्टेन गन लेके खड़ा है, कहां से जाओगे बाहर जाके काम करने के लिए। कोलकाता में हाल देखिए, कोलकाता में हम बैठा हुआ हूँ, ऐसा बुरा हाल है कि मतलब मैंने कई कई जगह मान रहे, कई कई नहीं मान रहे, कई कई जगह लोग कैसे भी हो ना बैरिकेड तोड़ के भी जा रहे, कई कई जगह सब्जी मंडी के सामने यहाँ पे CRPF खड़ा है वो स्टेन गन लेके, वो भी इम्पोर्टेड वाला, मतलब की ठोक दूंगा बोल के, ऐसा वाला बात, तो आदमी तो और टेंशन में आ जा रहे हैं। आप रोड पे गए, आपको वो जो दिखा कि मैं आज काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि और लॉक पड़ा हुआ है और कोरोना भी फैल रहा है, आपको वो चीज आपको लगा दूर, आज काम नहीं हुआ छोड़ दो आगे, लेकिन वहां पे छूट नहीं गया आपके ब्रेन से, वहां पे वो छूट नहीं गया, किसी के ब्रेन से भी वहां पे वो छूट नहीं गया, वो रह गया रिजर्व्ड मेमोरी में, जिसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन, वी कॉल इट द सबकॉन्शियस ब्रेन, द सबकॉन्शियस माइंड, द सबकॉन्शियस थिंकिंग। मतलब जब आप कोई चीज के बारे में एक्टिवली नहीं भी सोच रहे तभी भी कोई एक चीज आपके दिमाग में बार बार आ रहा है क्योंकि वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन, वो तो एक परेशानी का चीज पड़ा हुआ है, मतलब वो एक दुख का चीज, एक प्रॉब्लम का चीज, एक टेंशन की चीज पड़ा हुआ है, तो दर्द तो देगा ही, आपको खुशी नहीं देगा, आपको वहां पे रिलैक्स मसाज जैसा फील नहीं होगा, आपको वहां पे डूम डूम कोई पंच मारा ऐसा फील होगा, वो है ये पेन। अब क्वेश्चन हुआ, क्योंकि मैं बोला मैं पूरा डिटेल्स में आज नहीं बोलूंगा, मैंने आपको रियली समझ में नहीं आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हुआ दोस्तों कि वो पेन दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे क्यों आता है, लेट नाइट को नहीं आता है, मतलब 10 बजे के बाद नहीं आता है, सुबह भी नहीं आता, ये क्या चक्कर है कि दोपहर के, चलो मैं एक बोल दिया, मैंने दो बोल दिया, आफ्टर लंच में बोल दिया, 2 बजे के से 7-8 बजे तक क्यों आ रहा है, बाकी टाइम तो नहीं आ रहा है, फिर कल 2 से 7 बजे आ रहे हैं, आप सोच रहे कुछ दवाई वगैरह खा रहे, मेडिसिन वगैरह बहुत लोग खा रहे और कम हो रहा है, फिर कल हो रहा है, क्या चक्कर है, और ये इस टाइम को क्यों हो रहा है, कोई भूत प्रेत तो नहीं है उस टाइम आके अटैक करते हैं, वो भी ताजू का भूत प्रेत तो रात को आना चाहिए जो कहानियों में पढ़ा है, दिन में तो नहीं आना चाहिए, तो दिन में कौन सा भूत हो रहा है, इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस भूत, मतलब जो आपके अंदर ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ है, बाहर से आने की जरूरत नहीं। तो वी अंडरस्टैंड इट कि बार बार वो टाइम में क्यों हो रहा है, सी द टाइम, उसी टाइम में बार बार होने का सबसे बड़ा कारण क्या, व्हाट इज द रीजन दैट ओनली एट दैट पर्टिकुलर टाइमिंग वी आर फेसिंग दैट पेन, द सोल रीजन बिहाइंड इट, जब आप रात को, आप मैं रात से ही साइकिल शुरू करता हूँ, मैं एक साइकिल अगर चक्का ऐसे घूम रहा है मैं रात से शुरू करता हूँ, चलिए रात के टाइम यू आर एक्चुअली हैड योर डिनर, या तो डिनर करने का टाइम आया है, मतलब मैक्सिमम मुझे पता है नेपाल में आप लोग अर्ली डिनर करते हैं, 7-8 बजे तक आप डिनर करते, इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट में अर्ली डिनर करते, कोलकाता दिल्ली में तो अभी डिनर का टाइम थोड़ा सा अलग ही है, मतलब वो थोड़ा सा ज्यादा लेट हो जाता है, बड़े बड़े इंडियन बॉम्बे दिल्ली कोलकाता चेन्नई जाइए डिनर का टाइम थोड़ा सा एक अलग टाइप का होता है, आप किसी टाइम यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चलेगा लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा है। तो इट मीन्स कि अब आपका शाम का जो टाइम हुआ, यू नो द शाम का मतलब लेट्स से 8 PM 7:30 PM 8 PM, अब आप इन्वॉल्व है, या तो आदमी हो या आप मैडम हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, लड़का हो या लड़की हो, बिकॉज हम लोग घर में है तो एक घर के ऊपर एक इन्वॉल्वमेंट है, बाप पहले जब काम करते थे हम घर में उतने इन्वॉल्व नहीं होते थे, आते थे खाते थे सोते थे जाते थे, अब तो घर में ही रहते कॉन्स्टेंटली, तो घर के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो हमारा दिमाग क्या हो रहा है, किस चीज में इन्वॉल्व हो रहा है हमारा दिमाग, हमारा दिमाग इन्वॉल्व हो रहा है
मे बी कुकिंग में, मे बी कोई आपके साथ कुक कर रहा है उसमें, मतलब आप कहीं पे इन्वॉल्व हो गए, यू गॉट इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटी जहाँ पे आपको दिमाग पूरे ऐसा लगाना है, मतलब कुकिंग कर रहे हैं आपको लग रहा है बहुत आसान है, मतलब दिमाग तो लगाना है, फिर उसको खाना है, लोगों को परोसना है, लोगों को खिलाना है, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबल थिंग. इसका मतलब एट दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रॉम 7-8 PM onwards, या इवन 6:30 PM onwards, आपके लिए एक क्या खड़ा हो जाता है दोस्तों, आपके लिए खड़ा हो जाता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन जिम्मेदारी. आप एक जिम्मेदारी आ जाते हैं, जब जिम्मेदारी आ जाता है तब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं उस चीज को करते हैं, खाना खाते हैं, फिर सोने का टाइम आते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट टाइम, मीटिंग टाइम, कहीं पे थोड़ा बाहर जाने का टाइम, सुबह लोग मैक्सिमम टाइम लॉकडाउन के टाइम लोग बाहर जा रहे, आके वापस आके लंच टाइम तक आप इन्वॉल्व रहे. उसके बाद क्या काम है, बाहर तो आप जा नहीं सकते, दो तीन बजे के बाद सब जगह बंद करके रखा है, बाहर आप जा नहीं सकते और उस टाइम और कोई एक्टिविटी है नहीं. एट दैट पर्टिकुलर टाइम ब्रेन, वो 2 बजे लेके करीब करीब 6:30-7 बजे तक ब्रेन ऑलमोस्ट 80% आइडियल रहता है. आइडियल रहता है मतलब कोई भी एक्टिव चीज में अब इन्वॉल्व नहीं है. एक तो आप सुबह से बाहर गए होंगे, आके टायर्ड होंगे, वापस यू वेंट आउटसाइड, यू केम बैक, यू टायर्ड, या तो आप उस टाइम खाना पकाने में इन्वॉल्व है, घर में कुछ यू नो सामान फामान को धोना, बेडशीट चेंज करना, कपड़े धोना, खाना पकाना, उसमें इन्वॉल्व होंगे. सो अराउंड फ्रॉम 2 PM यू आर कम्प्लीटली एक्चुअली फ्री, डोंट हैव एनी सच पर्टिकुलर वर्क. तो हो क्या, फिर शाम को 6:30-7 बजे से यू हैव अ पर्टिकुलर वर्क, मतलब 6:30-7 बजे से एक रूटीन है और सुबह से लेके दोपहर के 1-2 बजे तक एक रूटीन है, जो रूटीन ऐसा डेली चल रहा है. देखिए मेरे हाथ को देखिएगा, बट इस बीच में गैप है, बट ये रूटीन ऐसा चल रहा है, बट बीच में गैप है. मतलब शाम के 6:30-7 बजे से एक जिम्मेदारी वाला रूटीन है और सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर दोपहर के 1 बजे तक एटलीस्ट एक जिम्मेदारी वाला रूटीन है. इस बीच में तो कोई रूटीन नहीं खास, रूटीन आप बना नहीं सकते, बाहर लॉकडाउन है. वर्किंग पीपल लिए खास करके बोल रहे, जो काम करते हो तो उनके लिए खास कोई रूटीन है. टीवी कितना देखेंगे, यूट्यूब कितना, रोज ही तो देख रहे हैं. एट दैट पर्टिकुलर टाइम क्या जगने लगता है, आप बोलेंगे एट दैट पर्टिकुलर टाइम यहाँ से दर्द होने लगता है, वही टाइम में मैं दर्द फेस करता हूँ. एट दैट पर्टिकुलर टाइम क्या होने लगता है, कोई एक चीज आपके अंदर टुक 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 होने लगता है, जगने लगता है, एक्टिवेटिंग होने लगता है. पता है क्या, आपका हाइंड ब्रेन जो ट्रैश फाइल है लैपटॉप का या कंप्यूटर का, मतलब अब आपके पास कोई एक्टिव जिम्मेदारी नहीं है. सुबह का जिम्मेदारी खत्म, रात में फिर जिम्मेदारी, इस बीच में क्या करूं, काम के बारे में और कितना सोच. जब आप काम के बारे में सोचने लगते हैं, मेरा नौकरी क्या होगा, मैं नौकरी करने वाले का बोल रहा हूँ, ऑडियंस बिजनेस करने वाले, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले का बोल, दुकानदारी करने वाले का, रिक्शा ऑटो चलाने वाले का ही बोल रहा हूँ, पानी पूरी मोमो चाउमीन बेचने वाले का ही बात बोल रहा हूँ. एट दैट पर्टिकुलर टाइम सुबह का तो हो गया उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, रात को फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस टाइम तो कोई एक्टिव जिम्मेदारी नहीं है, देयर इज नो एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट पर्टिकुलर डैम टाइम. तो अब उस टाइम पे आप क्या सोचने लगोगे, क्या होगा, क्या होगा कालिया, वो वाला डायलॉग नहीं था शोले में, अब तेरा क्या होगा कालिया, तो हम सोचने का हमारा क्या होगा कालिया, बोल कैसा, अब क्या होगा यार, ये कितना दिन चलेगा यार, ये कितना टाइम तक ये लॉकडाउन होगा, हम लोग कैसे काम आगे बढ़ाएंगे. मैं नौकरी करने वाले का, बिजनेस करने वाला, नेटवर्क, रिक्शा, ऑटो, मोमो, चाउमिन, सबके लिए बोल रहा हूँ, जो लोग कोई भी काम में इन्वॉल्व है. तो आदमी क्या इन्वॉल्व होने लगा, क्या होगा क्वेश्चन मार्क, क्या होगा, क्या होगा मतलब पॉजिटिव भी नहीं, क्या होगा मतलब वाव इस बार तो अचीवमेंट होगा, वो वाला पॉजिटिव दिमाग नहीं, क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, इनकम कहाँ से आएगा, रोजी रोटी कहाँ से चलेगा, मेरे बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, बच्चों का पढ़ाई भी खराब हो रहा है, मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ नेगेटिव थिंग्स. मतलब अब क्या होगा, मतलब अब क्या होगा, मतलब मैं 70 से GD बनूंगा, वो वाला नहीं हो रहा है. आप अगर ऑडियंस के दिमाग में बोले तो क्या हो रहा है, मैं 70 से GD कब बनूंगा, बन सकता हूँ क्या, अब कभी बनूंगा क्या, कब फिर से दुनिया में चांस आएगा क्या, नेपाल, इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में फिर से चांस आएगा क्या, क्वेश्चन मार्क. सो आपका एक अंदर क्वेश्चन मार्क हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं हो रहा है, मैस में मेरा होगा, वो नहीं हो रहा, आपके अंदर क्या मार्क हो रहा है, नहीं होगा. मतलब आप तो चाहते हैं कि होगा, लेकिन आपका दिमाग अंदर कहीं ना कहीं बोल रहा है पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा यार, पता नहीं क्या होगा. ये जो एक जो थिंकिंग है ना, वो आदमी को बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, और वो थिंकिंग निकल रहा है आपका ये जगह का हाइंड ब्रेन से, क्योंकि वहां पे स्टोर होकर बैठा है ना, आपका काम आज बनाने पर है, तो काम कल बनाने पर, एक हफ्ते वाला बनाने पर, वो सब ट्रैश फाइल, ट्रैश फोल्डर, ये हाइंड ब्रेन वहां पर स्टोर होकर बैठा, स्टोर इन दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन द हाइंड ब्रेन, एंड दैट थिंग इज दैट टाइम गेटिंग एक्टिवेटेड. उस टाइम को क्या हो रहा है, और तो कुछ ब्रेन एक्टिव लगाने का कोई जगह नहीं, यूट्यूब वीडियो, टीवी देख के परेशान, खाना हो गया, अब शाम को ही काम है, उस टाइम को क्या होगा,
अब वो चीज निकलने लगा है। क्या होने लगा दोस्तों? ये चीज अब एक्टिवेट होने लगा है, एक्टिवेट होने लगा, मतलब जो चीजें नहीं एक्टिवेट होना चाहिए, ट्रैश पैन में बैठे, वो अब एक्टिवेट होने लगा है। वो जैसे ही एक्टिवेट होने लगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा, क्या होगा, आप क्या होगा, क्या करेंगे यार, समझ में नहीं आ रही, कब तक चलेगा यार, ऐसा वाला चीज। वो जैसे ही हम सोचने लगेंगे उसी टाइम यहाँ पे दर्द शुरू हो जाएगा। और क्या होगा, क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा यार क्या होगा, ये वाला चीज ना रात को आपके साथ होता है, बिकॉज यू आर इन्वॉल्व इन समथिंग, ना अर्ली मॉर्निंग में होता है, क्योंकि या तो आप काम पे थोड़ा बाहर एक दो घंटे के लिए जा रहे हैं, और या तो आप खाना फाना पका रहे, ब्रेकफास्ट कर रहे, घर के साथ इन्वॉल्व है, कपड़ा धोना, घर ठीक करना, घर परोसना, गहना परोसना, उसमें इन्वॉल्व है, और रात को भी इन्वॉल्व है। इस टाइम पे यू आर इन्वॉल्व इन नथिंग। व्हेन वी आर इन्वॉल्व इन नथिंग, वी आर इट्स कॉल्ड अ आइडियल माइंड। अब पहले पहले क्या हो रहा था, एक महीना डेढ़ महीना लोग ट्रेनिंग आ रहे थे, बहुत ट्रेनिंग हो रहा था, फिर यूट्यूब वीडियो जा रहे थे, मूवी देख रहे थे, इट वॉज लाइक अ वैकेशन। So, हम लोग मूवी को या कोई चीज को, टीवी को, कोई भी चीज, किताब को पॉजिटिवली पढ़ रहे थे, वैकेशन एक डेढ़ महीना अच्छा है ना, लाइफ में वैकेशन मिलना चाहिए। पर उसके बाद वो वैकेशन आपको काटने लगा, हमें ना ऐसा जैसे मैंने कैंची जैसे काटने लगा, इंजेक्शन जैसे चुभने लगा। अब क्या सोच में बैठ गया, अब क्या होगा, कब होगा, क्या होगा, पता नहीं, होगा कि नहीं होगा। वो चीज दोपहर के डेढ़ दो बजे से लेके शाम को छह सात बजे इंडियन नेपाल टाइम बोल रहा हूं मैं, उस टाइम में एक्टिवेट होने लगा। जैसे ही एक्टिवेट होने लगा, आपको वो चीज एक परेशान, मतलब एक बैक एंड परेशानी, आपको भी पता नहीं है कि क्यों मेरे अंदर कुछ और सोचने के लिए नहीं है। वी डोंट हैव समथिंग एल्स टू थिंक ना, ये लॉकडाउन लॉकडाउन ही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस नहीं हो रहा है, गांधी जी नहीं आ रहे, खुशी नहीं आ रहे, आपको मीन्स यू आर एट दैट टाइम, दैट पर्टिकुलर, मैं एक वर्ड बोलूंगा, दैट पर्टिकुलर टाइम एक चीज दिमाग में बार बार टूंग टूंग कर रहा है, उस वर्ड का नाम है इनसिक्योरिटी। वन मोर टाइम, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इनसिक्योरिटी फीलिंग। उस टाइम बार बार आप क्या फीलिंग कर रहे हो, आपको पता नहीं आप ये फीलिंग करो, बट ये बार बार फीलिंग करो, उस फीलिंग का नाम है इनसिक्योरिटी। मतलब सिक्योरिटी का अभाव, सिक्योरिटी मतलब कोई आपको मार पीट लेगा, वो बोल रहा हूँ। अब लाइफ में मेरा लाइफ ठीक तरीके से चलेगा, फैमिली ठीक तरीके से चलेगा कि नहीं चलेगा, शायद नहीं चल पाएगा, ऐसा बुरा हाल अगर रहता गया तो, इस फीलिंग को बोलते हैं दोस्तों इनसिक्योरिटी। वन मोर टाइम, क्या बोलते हैं दोस्तों? इनसिक्योरिटी। वो इनसिक्योरिटी ऑल द टाइम हमारे अंदर है, बट बाकी टाइम में जो तो हम कोई और चीज में इन्वॉल्व है अपना दिमाग, तो वो इनसिक्योरिटी फीलिंग एक्टिवेट नहीं हो रहा है। उस टाइम कोई चीज में इन्वॉल्व नहीं है, एक्टिवेट होना शुरू हो गया इनसिक्योरिटी फीलिंग। क्या होगा यार, क्या समझ में आएगा यार, नौकरी करने वाले का हाल हम आपसे भी बुरा है, मैं भी नौकरी करने वाला वैसा हूँ, तो आप सोचिए जो जॉब होल्डर्स हैं उनका हाल और भी बुरा है, ट्रस्ट में उनका हाल और भी टाइट है, हमारा हाल और भी टाइट है, क्योंकि ऑफकोर्स इकोनॉमी इज फॉलिंग, बिजनेसेस आर फॉलिंग, कंपनीज आर फॉलिंग, तो एक एम्प्लॉय जो है वो तो नहीं उठेगा ना स्टेज, वो भी फॉलिंग वाला ही देख रहा है, फॉलिंग हुआ नहीं बट वो देख रहा है फॉलिंग होगा। इट मीन्स इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डीमोटिवेशन। वन मोर टाइम, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डीमोटिवेशन। उसके अंदर एक इंड्यूस्ड इनसिक्योरिटी फीलिंग है। क्या होगा कि एक लीडर के अंदर भी होगा, क्योंकि आपका भी अगर आप महीने में 1-2 लाख कमा रहे हो तो आपका कमिटमेंट से बहुत सारा खर्चे बहुत सारा है, फैमिली पालना, एक लाइफस्टाइल है, गाड़ी है, कपड़ा है, घर है, ईएमआई है, आईफोन है, यू हैव ए लाइफस्टाइल, जहाँ पे आप पैसा फेंकते हो, जितना इनकम होगा उतना ही एक लेवल में खर्चा होता है। 50,000 इनकम है तो 25,000 खर्चा होता है, 1 लाख इनकम है तो 50,000 खर्चा होते हैं, 10 लाख इनकम है तो 5 लाख खर्चा होता है, आदमी पूरा तो सेविंग नहीं कर पाता है। इसका मतलब है कि अब मैं अपना लाइफ जिस तरीके से मेरा लाइफ था उस तरीके से मेरा लाइफ रख पाऊंगा। हर एक का अपना अपना लेवल में, जो दिन में 100 रुपए कमाता है या जो दिन में 10,000 रुपए कमाता है, दोनों के अंदर है, अब मेरा वो चल पाएगा। मतलब पीपल एवरी वन ऑफ अस, हम लोग क्या देख रहे, एवरी वन इज फीलिंग वी आर गोइंग टू फॉल डाउन। वन मोर टाइम, एवरी वन इज फीलिंग वी आर गोइंग टू फॉल डाउन। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, सिचुएशन को समझ के मुझे आंसर दीजिएगा, जस्ट इमेजिन कीजिएगा, आधा मिनट के ना मुझे चैट में आंसर दीजिएगा। आप में से बहुत लोग नॉर्थ ईस्ट से, नेपाल से बहुत हमारे फ्रेंड्स हैं, इंडिया में बहुत जगह पहाड़ है, कभी ना कभी तो पहाड़ में हम लोग डेफिनेटली गए हैं, मैं भी कहीं ना कहीं पहाड़ में गया होगा, 10 बार तो गया होगा कोई हिल स्टेशंस में। एक बात मुझे पता है, हिल में चल रहे हैं, चल के चल रहे हैं, गाड़ी से चल रहे, कैसे भी चल रहे, जब आप हिल में चल रहे हैं आपको डर लगता है, या ज्यादा डर तब लगता है जब आप हिल में चढ़ चुके और नीचे दिखता है खाई, कौन सी चीज देख के डर लगता है? हिल में चढ़ने के टाइम वो गाड़ी घूम घूम के भी जा रहे हैं या चल चल के भी ट्रैकिंग करके जा रहे हैं, उस टाइम डर लगता है, या जब आप हिल में थोड़ा हद तक हिल में चढ़ चुके और नीचे खाई दिखाई दे रहा है, हिल से नीचे दिखाई दे रहा है, तब डर लगता है? कौन सा चीज देख के डर लगता है, पहला वाला दूसरा वाला, हिल में चढ़ने के टाइम या हिल को अगर चढ़ के बाद नीचे देखने के टाइम? ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 ऊपर देखे नीचे देखना, आई थिंक
ऑप्शन टू मैक्सिमम पीपल, मुझे भी लगेगा आपको भी लगेगा, इट मीन्स जिनका कैरियर हम सबका, मैं बोला जो 100 रुपए भी कमाता था या जो 10,000 कमाता था या जो 50,000 जो 1,00,000 कमाता था पर डे, मैं बोल रहा हूँ इवन ऐसे हाल में बोल रहा हूँ, वो हिल में था, हम लोग भी हिल में था, हमारा बिजनेस भी हिल में था, जॉब होल्डर भी हिल में था, टीचर भी था, एक रिक्शा वाला भी था, एक ऑटो वाला भी था, एक मोमो चाउमिन सेल करने वाला, चाइनीज रेस्टोरेंट बेचने वाला, एक बंगाली होटल चाल चावल मछली बेचने वाला होटल, वो भी सब लोग हिल में थे। इट मीन्स वी वेर राइजिंग, क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, बोलते हैं Rising समझते हैं ना, we are rise हो रहे हैं, but when we are rising, we don't have fear, because हम तो नीचे हैं, but जब आप rise हो चुके हैं, ऐसे rise हो चुके हैं, तब आपको fear है fall होने का पहाड़ से नीचे, इसको बोलते हैं डर, एक induced डर, किसी ने आपको नहीं बोला धक्का दे दूंगा तुझे गिरा दूंगा, ऐसे नहीं बोला किसी ने, आपको feel हो रहा है कोई मुझे धक्का दे दे तो मैं तो गिर जाऊंगा, तो आसपास में देखने लगते हैं कोई मुझे धक्का तो नहीं देगा, कोई है तो नहीं धक्का देने वाला, कोई भी नहीं आपको धक्का देने वाला, कोई करेगा भी नहीं आपके साथ जो लोग हैं, पर आपको फील होते गिर तो नहीं जाऊंगा, तो आप क्या होने लगते हैं एक्स्ट्रा केयरफुल होने लगते हैं, दिस कॉल्ड द सबकॉन्शियस ब्रेन, ना कोई आपको धक्का देने के लिए आप है, उल्टा आपको बचाएगा, अगर आप पहाड़ से गिर रहे तो कैसे भी बचाएगा, ना आपको कोई आपको धक्का देने के लिए, ना आपको कोई आप मारने के लिए है, और ना आप फटाक से गिरेंगे पहाड़ से, लेकिन आपके दिमाग में चलता रहेगा मुझे पहाड़ से नहीं गिरना, पहाड़ से गिरना नहीं है, तो आप सब कुछ के ऊपर केयरफुल होने लगे, मैंने इंसान के ऊपर भी केयरफुल, चलने फिरने के ऊपर, स्लिपरी मत चलो गिर सकते हैं, ऐसा वाला फीलिंग आना शुरू होगा, चढ़ने के टाइम फीलिंग नहीं हो रहा था स्लीपर ही, पर चढ़ने के बाद ऊपर उठने के बाद फीलिंग हो रहा है स्लीपर ही, पैर फिसल कर गिर सकते, भैया भैया गाड़ी को संभाल के चलाओ यार, ये गिर जाएंगे तो उठने के टाइम बोल नहीं रहते संभाल के चलाओ, इट मीन्स एट दैट टाइम ये हाइंड ब्रेन सबकॉन्शियस ब्रेन काम करता है, और जब आप चढ़ रहे उस टाइम आपका बाकी ब्रेन का हिस्सा जो एक्टिवली इन्वॉल्व वाला ब्रेन का हिस्सा वो काम करता है, और ये है पैसिवली इन्वॉल्व होने वाला हिस्सा, अब जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी ये हमारा हाइंड ब्रेन कोई एक्टिव नहीं है, ऐसे सोचिए एट दिस टाइम हमारा हाइंड ब्रेन की एक्टिविटी में भी 5% है, 95% एक्टिविटी बाकी ब्रेन के हिस्से का है, अब आपने इसको सुन लिया, समझ लिया, लिख लिया, पढ़ लिया, इम्प्लीमेंट भी कर दिया, तब तक भी आपका ब्रेन का फ्रंट हिस्सा इन्वॉल्व, मतलब नॉन हाइंड ब्रेन हिस्सा इन्वॉल्व, हाइंड ब्रेन छोड़ के बाकी हिस्सा इन्वॉल्व है, जब आपको ये इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद, ये ट्रेनिंग लेने के बाद आप किसी ने इम्प्लीमेंट किया, ज्वाइनिंग हो गया, या किसी को बताया तो आपने उसको उसने आपको शाबाशी दिया, बढ़िया है तुम तो बहुत आगे बढ़ रहे हो, तो यू गॉट सम पॉजिटिव और यू गॉट सम नेगेटिव, मतलब लेट्स से यू गॉट ए पॉजिटिव, आपका काम बना, एक ज्वाइनिंग हुआ, लोगों ने आपसे प्रोडक्ट खरीदा, आपने किसी को दो बात भी किया ऐसे टॉपिक्स के ऊपर, वो आपने बोला यार तुम तो बहुत तरक्की कर रही, लॉकडाउन में भी तुम तरक्की कर रही, एट दैट टाइम आपके दिमाग में यहाँ पे मन वो हो गया एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद जब खाली बैठे हो आपका हाइंड ब्रेन पीछे हमेशा ये बोलते रहेगा कल ट्रेनिंग है बैठना है, तभी तक भी आया नहीं व्हाट्सएप में आपके पास या मेरे टेलीग्राम में पोस्ट नहीं किया कल मीटिंग है कि नहीं, हो सकता ना भी हो, लेकिन आपके दिमाग में ये चल रहा है कल कुछ आएगा, कल कुछ आएगा, कल कुछ नया आएगा, कल कुछ फिर से आएगा जो मेरे काम का आएगा, कल कुछ मुझे मिलेगा जो मुझे काम पे बहुत अच्छा चलेगा, दैट ये जो आपका सोच है ना ये आपका फ्रंट ब्रेन का नहीं आपका हाइंड ब्रेन का सोच है, आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है या होने वाला है क्योंकि अभी तक हो रहा था, यह आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है होने वाला बिकॉज अभी बुरा हो रहा है, ये हाइंड ब्रेन का सोच है, दिस इज अ ट्रैश कैन, वो जो ट्रैश वाला फोल्डर लैपटॉप में जहां पे आप खूबसूरत लड़की का फोटो डिलीट करके छुपा तो बटो गया नहीं उसको वहां से भी डिलीट करना होता है, सो इट मीन्स व्हाट कि लॉकडाउन के टाइम अब क्या हो गया कि कोई भी इंसान का लॉकडाउन के टाइम उसका जो हाइंड ब्रेन है वो हाइंड ब्रेन एक्टिवली इन्वॉल्व रहने लगा, जिसका जो हाइंड ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ओनली ही 5-10% होना चाहिए 24 घंटे में, बस 5-10% 24 घंटे हमारा ब्रेन चल रहा है तो ब्रेन का 100% काम होने काम कर काम में हाइंड ब्रेन का मैक्सिमम 5-10% काम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैंने आर यू एबल टू गेट मी, मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉर्मली ह्यूमन ब्रेन को ह्यूमन ब्रेन अगर 24 घंटे काम कर रहे हैं मतलब 100% एक्टिविटी जो भी ह्यूमन ब्रेन का सोने के टाइम हो जगने के टाइम हो काम करने के टाइम हो ह्यूमन ब्रेन का टोटल एक्टिविटी 100% में हाइंड ब्रेन का कंट्रीब्यूशन या हाइंड ब्रेन का यूज या हाइंड ब्रेन का इन्फ्लुएंस 5-10% ही होना चाहिए, मतलब हाइंड ब्रेन हमारे ब्रेन का काम करने के ऊपर प्रभाव 5-10% ही है, लेकिन लॉकडाउन के टाइम हाइंड ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हमारे ब्रेन में आ गया ऑलमोस्ट 30-40%, कहाँ पे था 5-10% और कहाँ पे 30-40%, 3-4 गुना बढ़ गया, तो जो हाइंड ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था इतना एक्टिव नहीं होना चाहिए इतना प्रभावित नहीं करना चाहिए था हमें, वो हाइंड ब्रेन अभी 3-5 गुना प्रभावित करने लगा है हमें,
तो क्या होगा, मतलब ये हाइंड ब्रेन एक्टिवली ज्यादा यूज होने लगा। जब ये हाइंड ब्रेन एक्टिवली ज्यादा यूज होने लगेगा तो इसके ऊपर प्रेशर आएगा, प्रेशर आते ही पेन होगा, जस्ट लाइक हाथ में होता है ना, हाथ में थोड़ा चलाओगे ठीक है, ज्यादा हाथ को चलाते रहोगे पेन आएगा ना, सेम वे यहाँ पे पेन आना शुरू होता है, उसको ही बोलते हैं नेक पेन। और टाइमिंग मैंने आपको बता दिया था, दोपहर के 1:30 बजे से लेके एक हाफ टाइम रहता है, 1:30 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे, उसी टाइम में पेन शुरू होता है। दैट्स द टाइम ये पेन स्टार्ट होता है, दैट्स द एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि उस टाइम हाइंड ब्रेन कंप्लीटली इन्वॉल्व है और बाकी टाइम आपकी जिंदगी में, हमारे जिंदगी में हाइंड ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता था उस टाइम को। आप बोलेंगे क्यों सर उस टाइम हाइंड ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता था, ये ब्रेन सब ब्रेन, भाई हम लोग उस टाइम काम करते थे, सब लोग उस टाइम जाके काम करते थे। अब ऐसे ऑडियंस लीडर क्या करते उस टाइम, तो उस टाइम तो एक्टिवली काम करने का टाइम है। इवन आप लंच भी खा के सो भी रहे तो सो इसलिए नहीं रहे कि आप सोना चाहते, सो के थोड़ा रेस्ट लेके फ्रेश होकर फिर काम पे जाएंगे। इट मीन्स आपका ब्रेन का एक्टिव पार्ट इन्वॉल्व है, आपका ब्रेन का बैक एंड इन्वॉल्व नहीं है। बाकी कोई भी टाइम इमेजिन कीजिए ना, वो टाइम था 1:30 से 6:30 बजे, मैंने मोस्ट एक्टिव टाइम। अगर आपको थोड़ा नींद भी लगा, आप सो भी गए 1 घंटा, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने सोने के लिए नहीं सोया, आगे काम को ठीक करने के लिए सोया, ताकि सो के फ्रेश होके आप 5 घंटा फटाफट काम कर सकते हो। कोई भी आदमी सो सकता है उस टाइम, टू जस्ट टू टेक अ रेस्ट। तो दैट वाज नॉट अ रेस्ट कि जो आप चाह के रेस्ट कर रहे थे, आप उस रेस्ट को कर रहे थे कि अभी नेक्स्ट 5 घंटे परफॉर्म कर पाए। लेकिन अभी सोचिए, जो जगह में आपका ब्रेन का एक्टिव हिस्सा इन्वॉल्व होता था आज लास्ट 5 साल 10 साल या 5 महीने से, वहां पे लास्ट 3 महीने से वो ब्रेन का एक्टिव हिस्सा इन्वॉल्व ना होके ब्रेन का वो वाला हिस्सा इन्वॉल्व होने लगा जो आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, जो इन्वॉल्व रियली नहीं होना चाहिए, द हाइंड ब्रेन। तो ऑटोमेटिकली वो तो दर्द करना शुरू करेगा। मतलब आपका एक उंगली, देखिए मेरे उंगली को तरफ देखिए स्क्रीन में, ये उंगली है, जस्ट यू कैन लुक एट द स्क्रीन, दिस इज द फिंगर। देखिए मैंने एक फिंगर दिखा रहा हूँ, हम सबके फिंगर है, ये फिंगर का एक यूज है, राइट, एक फिंगर का एक यूज है, बट कितना यूज है, खाना खाने के टाइम, हाथ धोने के टाइम, कुछ पकड़ने के टाइम, हमेशा तो यूज नहीं है। अगर आप मोबाइल कॉन्स्टेंटली चला रहे तो अलग बात है, बट नॉर्मली ये पर्टिकुलर इस फिंगर का, मोबाइल भी चलाते हैं ना तो टक टक ऐसे लोग चैट करते हैं, ये वाला फिंगर का करेक्ट ऐसे ऐसे चैट करते हैं ना फोन में, ऐसे ऐसे तो नहीं चैट करते जनरली, है ना, चैटिंग का भी उपाय सही बोल रहा हूँ। तो ये वाला जो फिंगर है इसका एक इन्वॉल्वमेंट है लिमिटेड, ये चलिए ये वाला का एक इन्वॉल्व है लिमिटेड, इसको ये तो बिल्कुल भी चैट में यूज नहीं होता है। ये वाला फिंगर इंपॉर्टेंट बहुत है हमारे लिए, लेकिन इसका भी एक जो एकदम लास्ट वाला फिंगर, इसका भी एक लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट है। अब इसको आप हाइपर इन्वॉल्व करने लगे, पूरा टाइम इसको इन्वॉल्व करने लगे, घुमाना, इससे सामान उठाना जो जरूरत नहीं था, इससे चैटिंग करना, इससे ही मैंने कपड़ा को पुल करना, नहीं इससे कपड़ा को पुल, बेडशीट को भी इससे पुल, चम्मच को भी इससे पकड़ना, तो क्या हो गया, दर्द करना शुरू करेगा ना, इट विल स्टार्ट पेनिंग 100%, ये वाला उंगली दर्द करना शुरू करेगा, 3-4 दिन में थक जाएगा, दर्द होगा, बिकॉज इसका इतना यूज होने के लिए ऊपर वाला ने उंगली नहीं दिया था। मेडिकल साइंस ने हमारे एम्ब्रियो से ये बॉडी नहीं इसलिए नहीं बना था कि ये उंगली इतना ज्यादा यूज होगा, ये उंगली यूज होगा लेकिन सबसे कम यूज होगा। सेम वे हाइंड ब्रेन भी यूज होगा, इसलिए तो हाइंड ब्रेन है हमारे ब्रेन के अंदर, लेकिन उसका 5 से 10% यूजेज है 24 घंटे में, लेकिन अब उसका यूजेज 30 से 40% हो चुका है 24 घंटे में, ऑटोमेटिकली दर्द होना शुरू होगा। हमें लगता है वो नेक पेन है, पर दोस्तों नेक पेन नहीं है, वो हाइंड ब्रेन का पेन है, फील तो नेक में ही होगा क्योंकि वो नेक के साथ कनेक्टेड है। अब कॉमन पब्लिक तो ये नहीं जानते हाइंड ब्रेन बोलते इसको, या ब्रेन का भी हिस्सा है वो भी नहीं जानते, लोग सोचेंगे गर्दन में दर्द हो रहा है क्योंकि वो गर्दन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड। मैं पिक्चर डालूंगा टेलीग्राम में, आप देखेंगे इस टॉपिक के ऊपर, वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नेक और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो गया, तो पेन वहां पे फील होने लगता है। आपको आपको लग रहा है गर्दन में दर्द हो रहा है, मेरे गर्दन में इतना दर्द हो रहा है, मूव लगाता हूँ, कुछ लगाता हूँ, तेल लगाता हूँ, ज्वाइंट ऑन ऑयल लगाता हूँ, गर्दन में पेन नहीं है दोस्तों, द पेन इज एक्चुअली ऑन द हाइंड पेन। Why the pain is happening? Because your subconscious brain is getting hyper used, which should not be hyper used. वो नहीं use होना चाहिए इतना, but वो constantly use हो रहा है क्योंकि active part of the brain use करने के लिए कुछ है नहीं, lockdown पड़ा हुआ है। तो जैसे कोरोना lockdown hit हुआ हिंदुस्तान में, नेपाल में, लोगों के अंदर क्या होने लगा, सही काम पे दिमाग लगाने का जगह है ही नहीं क्योंकि सही काम का जगह बंद है। आप बोलेंगे सर फिर हम लोग ही खराब है क्योंकि हमने सही काम में दिमाग नहीं लगाए, सही काम का एक सिचुएशन भी तो होना चाहिए उसमें दिमाग लगाने के लिए। लगा तो रहता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे, आप ऑर्डर भी कहीं से निकाल रहे, कहीं से प्रोस्पेक्टिंग भी कर रहे, जितना हो सके जा रहे, मतलब जितना सही काम का अपॉर्चुनिटी था उसमें तो आप दिमाग तो हम लोग लगा रहे एक्टिवली। अब नहीं है कोई टाइम, बिल्कुल नहीं है, तो उस टाइम क्या होगा, सही काम में लगाने वाला कुछ है नहीं, गलत काम में भी आप नहीं लगा रहे, ऐसा नहीं कि आप गलत काम में अपना दिमाग को लगा रहे हो, लेकिन दिमाग के अंदर जो चीज स्टोर हो गया है नेगेटिव इन्फॉर्मेशन,
या नेगेटिव, एक नेगेटिव इंड्यूस्ड डिमोटिवेशन कि मतलब अब क्या होगा पता नहीं कब होगा, फ्रस्ट्रेशन, जो भी वर्ड बोल सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन, डिमोटिवेशन, नेगेटिविटी, वो सब ये हाइंड ब्रेन में ट्रैश फोल्डर में स्टोर हो चुका है, टाइम टाइम पे वो बाहर निकल रहा है जो नहीं निकलना चाहिए। मतलब पहले आपके पहले भी हाइंड ब्रेन में ट्रैश फाइल स्टोर होता था, लेकिन हमारा बाकी ब्रेन इतना एक्टिवली इन्वॉल्व होता था काम पे कि वो ट्रैश फाइल काम पे आता ही नहीं था। अब वो ट्रैश फाइल कॉन्स्टेंटली काम पे आने लगा। क्यों ट्रैश फाइल काम पे आने लगा? क्योंकि सामने का जो मेन ब्रेन था इससे वो काम ही नहीं कर रहा, काम करने का जगह ही नहीं उसके पास। सो लॉकडाउन एक्चुअली कॉज्ड द हाइंड ब्रेन पेन, लोग उसको नेक पेन सोच रहे हैं। अब आप टॉपिक आज से शुरू कीजिए, जितने भी लोगों को जानते हैं, एप भी में जानते, व्हाट्सएप में जाते, फोन में जानते, दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले, सबको नॉलेज दीजिए। मतलब सबको, जैसे मैंने आपको पूछा, ये मैं पोस्टिंग में डालूंगा, से सबको पूछे जिसको जिसको जानते हैं, क्या आप गर्दन पेन फेस करो, यू फेसिंग नेक पेन एट दिस प्लेस एंड द टाइमिंग, ये टाइम में लोग चौंक जाएगा, बिल्कुल जैसे आप चौंक गए, सर आप कैसे बोल रहे हैं, सर एग्जैक्टली ऐसे पेन हो रहा है, ऐसे टाइम में पेन हो रहा है, आप कैसे जानते? बिकॉज दिस इज साइंस। मैं हमेशा बोलता हूँ साइंस इज नथिंग, साइंस इज नथिंग बट लॉजिक, दिस लॉजिक इज द बिगेस्ट मैजिक, इट्स जस्ट अ लॉजिक। ब्रेन के पास एक्टिव काम करने का जगह नहीं, तो पैसिव ब्रेन तो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होगा। एक्टिव ब्रेन इज द 90% एंड पैसिव ब्रेन इज द 10%। जब 90% ब्रेन कुछ जगह नहीं है काम करने का, तो पैसिव ब्रेन आएगा ना, क्योंकि आप तो पैसिवली बैठे हो। एक्टिवली जाओगे तो एक्टिव ब्रेन काम करेगा, पैसिव बैठे रहोगे तो पैसिव ब्रेन काम करेगा। इसमें हमारा गलती नहीं है, किसी का भी गलती नहीं, वो पैसिवली क्यों बैठा है? एक्टिवली जानने का भी तो जगह नहीं है, एक्टिवली काम करने का भी तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। मीटिंग खाली इससे तो बिजनेस नहीं होगा, किसी का जॉब भी तो इससे नहीं बचेगा, बिजनेस नहीं हो रहा है। आप सबके पैसिव ब्रेन में क्या जा रहा है? फॉल दिख रहा है, या तो फॉल हो रहा है या तो फॉल दिख रहा है, बाहर के ऊपर से या तो फॉल हो रहा है आदमी या तो फॉल दिख रहा है, दिखना और प्रॉब्लम, फॉल हो गया तो हो गया, पर वो कॉन्स्टेंट दिमाग में है कि गिरूंगा, अब गिरूंगा, अब गिरूंगा, अब गिरूंगा, अब गिरूंगा। नहीं भी गिरेगा ना तो किसी ना उससे कूद पड़ेगा खुद। अब लग रहा है अब गिरूंगा, अब गिरूंगा, अब गिरूंगा, जब वो सोचेगा ना अब गिरूंगा, वो खाई को देखने के लिए और पास जाएगा पहाड़ का, और पहाड़ का, और एज में जाएगा, और एज में जाएगा, अब गिरूंगा करते गिर जाएगा, मतलब उसको दूर रहना चाहिए एज से। अब गिरूंगा, गिरूंगा तो कैसा होगा, अरे गिरूंगा तो क्या होगा, गिरूंगा क्या होते हुए तो वो पूरा एकदम उसके कोने तक पहुंच जाएगा, एज तक, मतलब बॉर्डर तक, अब जाके गिर भी जाएगा स्लिप होकर, बिकॉज वो चीज कॉन्स्टेंटली सता रहा है इंसान को। लेकिन अगर वो पहाड़ में जो चढ़ चुका था, वो अगर पहाड़ के एज में ना बैठ के और चढ़ने लगा, तब उसको डर नहीं होगा। वहां पे खड़ा रहा तो उसको डर होगा, वो और चढ़ने लगा या तो वापस सब कुछ देख के उतरने लगा, स्टोरी फिनिश्ड, वहां पे रहने लगा, वही नेगेटिव स्टोरी स्टार्ट। हमारा ब्रेन में, आपका एक रेस्टोरेंट है, सोचिए ना, यू थिंक यू हैव अ रेस्टोरेंट, आपने 50 लाख इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता था, जिससे आपके EMI पे होता था, घर बार चलता था। अब वो रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, वहां पे खाने के लिए कोई नहीं आ रहा, शराब पीने के लिए कोई नहीं आ रहा, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। ओपन भी कर दिया गवर्नमेंट में, तो भी तो लोग नहीं आ रहे, डर के माने कोरोना हो सकते, छुआ छुई से। तो क्या होगा? आपको तो अंदर में फीलिंग होगा, मैंने साले इतना बड़ा पैसा लगा दिया वहां पे, अब पैसा एक इनकम नहीं है, क्या होगा पता नहीं, बैंक का फोन भी आ सकते हैं, होगा क्या पता नहीं, बेचने भी जाऊंगा इस प्रॉपर्टी को, कोई खरीदेगा नहीं, पैसा तो अभी किसी के पास भी नहीं है, तो भी नहीं निकाल रहे। एट दैट पर्टिकुलर टाइम ना दोस्तों, हमारा हाइंड ब्रेन का नेगेटिविटी मोड काम करना शुरू करता है, वो बहुत ज्यादा परेशानी वाला चीज है। आपको पेन होना शुरू होगा, दर्द होना शुरू होगा, क्योंकि हाइंड ब्रेन इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। मैंने बोला 24 घंटे में हाइंड ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट 1 घंटा मैक्सिमम होना चाहिए था, अब 6-6 घंटे इन्वॉल्व हो रहा है, दर्द तो करेगा ही करेगा ना। 24 घंटे में जो चीज 1 घंटा काम में आना चाहिए, 2 घंटे वो अभी 6 घंटा काम पे आ रहा है, तो वो बेचारा वो खुद दर्द हो जाएगा, वो हाइंड ब्रेन परेशान, दर्द खुद फील करेगा कि वो इतना ओवर यूज हो गया है। ना आपने उसको ओवर यूज किया, ना खुद से ओवर यूज हुआ, सिचुएशन ने ओवर यूज कराया। आर यू एबल टू गेट मी? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ना आपने उसको ओवर यूज जानबूझ के, ना वो खुद से ओवर यूज हुआ, सिचुएशन ने उसको ओवर यूज कराया और ओवर यूज हो गया, एंड अब यो दर्द मोड में आ गया, वो गर्दन में नेक पेन में शुरू हो गया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कोरोना लॉकडाउन एंड द नेक पेन। मैं डालूंगा कुछ ग्राफिकल पिक्चर टेलीग्राम में, वेट, आज कोशिश करूंगा आज तक डालने के लिए, आई एम डिजाइनिंग इट। सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली happening in today's lockdown time, the neck pain. मैं इतना ही बोलूंगा, अगर इसको आप सर्कुलेट करेंगे, इसको आप मार्केट करेंगे, बात करना शुरू करेंगे, लोग चौंक जाएंगे, आपके आपको कैसे पता है, आपको कैसे पता है, अरे हाँ बात सही बोल रहा हूँ, यू विल ब्रिंग अ डिस्कशन, डिस्कशन आ जाएगा। जब डिस्कशन में आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली
तब आप वो बोलेगा मेरे लिए कुछ सोल्यूशन है, हाँ सोल्यूशन है, हम प्रोडक्ट दे देंगे। आप बोलेंगे क्या प्रोडक्ट काम करता है, ऑडियंस ऑडियंस कैसे, क्या प्रोडक्ट देने से ये प्रॉब्लम ठीक होगा। देखिए ब्रेन रिलेटेड पैनाक्सिलिन तो ऑलवेज बेस्ट काम करता है, सेवन वंडर काम करता है, एलोवेरा गोल्ड काम करता है, मैंने ब्रेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो मैं ये तीन प्रोडक्ट ही बोलूंगा, किसी को ज्यादा चिपकाने का भी जरूरत नहीं, कोई ज्यादा एफोर्ट कर भी नहीं सकते उस पैनाक्सिलिन और सेवन वंडर देखे भी छोड़ दीजिए। मैंने अगर बहुत ज्यादा एफोर्ड नहीं, एकदम एफोर्ड नहीं कर सकते एक पैनाक्सिलिन देखे छोड़ दीजिए, लेकिन हजारों के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हजार आपकी टीम बन गए। मैंने आपको लास्ट तीन चार दिन से बोला था, पीपल डोंट लाइक टू गेट सोल्ड, पीपल लाइक टू गेट हेल्प्ड। किसी को पसंद नहीं है कि आप कुछ जाके बेचो, और परेशानी के टाइम में जाके और बेच रहे हो तो आपको गाली मिलेगा, लेकिन परेशानी के टाइम में आप उसका परेशानी से बाहर निकालने वाले बन गए तो लाइफ टाइम उससे आपको ताली मिलेगा। आर यू विद मी? ताली मिलने के साथ आपको बिजनेस भी मिलेगा। दिस इज अ टाइम टू एक्चुअली इंटरैक्ट, यू नीड टू हैव अ टॉपिक टू इंटरैक्ट। सिर्फ कैसे हो यार, खाना खाया, रोज पूछोगे खाना खाया कि नहीं, परेशान हो जाएगा। बट यू ब्रिंग समथिंग न्यू, राइट, इनोवेटिवली, दिस इज कॉल्ड रिसर्च। ये कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं, इट्स अ रिसर्च। रिसर्च करके आपको मैंने बताया ताकि आप समझ पाए, आई विल पुट मोर फैक्ट्स देयर, आप उसको पढ़ते रहेंगे मेरे पेज को। सर टेलीग्राम का लिंक दीजिए प्लीज। ओके, आई विल गिव आफ्टर दिस प्रोग्राम, आई विल गिव। सो एवरी टाइम क्या होगा दोस्तों, व्हेन यू ब्रिंग दिस, द पीपल हुम यू आर टॉकिंग टू, दे विल थिंक यू आर ट्राइंग टू हेल्प देम, दैट यू आर एक्चुअली हेल्पिंग देम। When they will feel helped, right? You don't have to sell, they are going to buy your product. Are you with me? जब आप एक टॉपिक के ऊपर बात करो तब तो पूछेगा क्यों, आधा घंटे एक घंटे आपने डिस्कशन किया, वो पूरी तरह आपके साथ इन्वॉल्व हो गया। अब उसके उसके दिमाग को सोचे, उसका दिमाग में उसका दिल में क्या है, आप उसका प्रॉब्लम सॉल्वर है। What you are, क्या बन गया उसके लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन, PSP, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन, प्रॉब्लम सॉल्विंग यार, प्रॉब्लम सॉल्विंग दोस्त, प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर मत बोलिए, नो लीडर, यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेंड, PSF या PSP, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन। जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन बन गए तो इसका मतलब आपके पास ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के लिए आपको ही पूछेगा, उसके बाजू वाला घर आदमी को नहीं पूछेगा, आपको ही फोन में पूछेगा या आपको इस फेस टू फेस पूछेगा, तेरे पास कुछ है क्या, आपके पास कुछ है क्या, मुझे प्रॉब्लम बाहर निकलने के लिए परेशान हो गया सच में गर्दन के दर्द से। एट दैट पर्टिकुलर टाइम ओरियंस प्रोडक्ट विल बी सोल्ड एज ए सोल्यूशन, ओरियंस प्रोडक्ट सोल्यूशन जैसा बिक जाएगा, आपको बेचना नहीं होगा वो ऑटोमेटिक बिक जाएगा। आर यू विथ मी? आपको बेचना नहीं होगा वो ऑटोमेटिक बिक जाएगा, आपने बेचने का कोशिश भी नहीं किया, आपने उसको हेल्प करने का कोशिश किया, आपने उसको हेल्प किया, उसने आपको हेल्प किया, अच्छा बिजनेस देखिए, योर बिजनेस इज डन, और आपको टीम मिल गया, आपको एक पर्सन मिल गया, उससे इन्फॉर्मेशन हजारों में बढ़ जाएगा, लाखों में बढ़ जाएगा, एक दिन आप देखेंगे आप रूम में 5000 लोग भी का स्पेस भी फुल हो जाएगा। बिकॉज मैं फिर से बोल रहा हूँ, पीपल लाइक टू बी हेल्प्ड, दे डोंट लाइक टू बी सोल्ड। अगर इस सिचुएशन में हम बेचने का कोशिश किसी को करेंगे, बात खत्म हो जाएगा, आपके साथ लोग और दूरी बना लेंगे। लेकिन लोगों को ये फील हुआ कि आप मदद कर सकते हैं तो लोग आपके साथ नजदीकी बना लेंगे, और नजदीकी से ही हमारा ये हेल्थ नेटवर्क बिजनेस चलेगा, नजदीकी से, दूरी से। बेचने वाला जो बेचने जाएगा पहले भी नहीं बिकता, तभी तो और भी नहीं बिकेगा। दिस medical topics are actually going to help a lot of people. If you try to help a lot of people, automatically you will be helped because aapka product bahut log khareed lenge, aapka business automatically hote jayega. So mujhe itna hi aaj bolna tha, maine bola main zyada deep out nahi jaunga, main zyada deep parso jaunga, koi kal bhi meeting, kal parso tarso jaunga taki aap aur better tarike se samajh mein, ek din mein mujhe lagta hai ye dose kafi tha, isse zyada dose dunga to abhi absorb karna thoda mushkil ho jayega, but itna aap samajh paye, जो प्रॉब्लम आप फेस करो सिर्फ आप फेस नहीं कर रहे, मैं फेस नहीं कर रहा, वो प्रॉब्लम हिंदुस्तान और नेपाल में करीब करीब 100 करोड़ लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन रिपीट प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन पैनाक्सिलिन इज द नंबर वन मस्ट, उसके साथ सेवन वंडर एलोवेरा गोल्ड जूस, कोई एफोर्ड कर सकता है तीनों दीजिए, कोई कम एफोर्ड कर सकता है सिर्फ पैनाक्सिलिन सेवन वंडर दीजिए, और कोई बिल्कुल भी एफोर्ड नहीं कर सकता तो एक पैनाक्सिलिन बस उसको सेल कीजिए, बट समहाउ उसके साथ जुड़िए, समहाउ उसको जोड़िए। And jodne ka, this is the upay actually, you know, this is how you attach people, you know, you don't pull people, you should be someone whom people are going to get pulled with, magnet bane, bolte na magnetic personality, log pull ho jate, to aapka knowledge bhi magnetic hona chahiye, aap bhi thoda magnetic hona chahiye, magnetic, aap bolenge sir magnetic kaise main banu, innovative, dekhiye sir ek baat aapko, dekhiye leaders ek baat aapko bolta hu ki, कोई अगर कॉपी पेस्ट कर रहा है गूगल से, सब इन्फॉर्मेशन गूगल में बहुत अच्छा कुछ, पर कॉपी पेस्ट करते लोग पता चल गया कॉपी पेस्ट है, यूट्यूब देख देख के कॉपी पेस्ट कर रहे, उसको सुन सुन के कॉपी पेस्ट कर, पीपल विल अंडरस्टैंड, मेरा ही कुछ वर्ड कहीं जगह में कॉपी करने का कोई लोग कोशिश करते, लोग सीधा पूछ रहे तो तथागत सर का भाषा है आप बोल रहे, लोग समझ जाते। बिकॉज इफ वी आर नॉट इनोवेटिंग,
इनोवेटिंग कब होगा पता है, जब आप कोई चीज में डीपली इन्वॉल्व होते हैं, आप कोई चीज को सक्सेसफुली समहाउ करना चाहते हैं। मेरा दिमाग में चलता है कि आप लोगों के पास में कुछ ऐसा फॉर्मूला जो फॉर्मूला को आप मार्केटिंग करेंगे तो आपका मार्केट बढ़ेगा। तो हम कीप ऑन थिंकिंग ऑन ए फॉर्मूला, प्रोडक्ट का फॉर्मूला नहीं, सोल्यूशन का फॉर्मूला, मेडिकल कुछ ऐसा फॉर्मूला, कुछ ऐसा एक प्रॉब्लम के बारे में बातचीत, ये भी फॉर्मूला का हिस्सा है, ताकि वो फॉर्मूला को मार्केट में आप लेके जाए इस टॉपिक को। एटलीस्ट वन वीक में आप हजारों लोगों को आप तक ये फॉर्मूला इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा, तो 100 तो आपके साथ जुड़ेंगे, 10-20 तो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, समहाउ आपका बिजनेस उठेगा। सो इफ यू आर थिंकिंग फॉर समवन और थिंकिंग फॉर योर पीपल, ऑफकोर्स यू विल सी दैट दिस बिकम्स अ मैग्नेटिक, लोग आपको विश्वास करने, लोग आपके साथ जुड़ने लगेंगे। मैग्नेटिक You can only become magnetic if you are innovative. If you are, you can only should say bolder. You can only be magnetic if you are innovative. One more time, you can be magnetic. साबाद में आपके साथ आके चिपक गए. Only when businessman बोल रहे हैं. बाकी टाइम में नहीं बोल रहा, मैं तो मॉडलिंग फॉडलिंग बिजनेस का बात नहीं कर रहा हूँ कि खूबसूरत है तो सब लोग आके चिपक गए, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलरली इस हमारे बिजनेस के बारे में बात करूँ, बिकॉज एजुकेशन ड्रिवन बिजनेस है। यू कैन ओनली बी मैग्नेटिक इफ यू आर इनोवेटिव। इनोवेटिव मतलब लोग के साथ आपने बात किया, किसी आपने कुछ बताया तो उनको ये लगने लगा, उनको ये फील हो गया ऑटोमेटिकली दैट विथ यू द पर्सन कैन ग्रो, विथ यू द पर्सन कैन बी गेट अ हेल्प, with you the person can go ahead, आपके साथ person आगे बढ़ सकता है, automatically वो आपके साथ चिपकेगा, वो आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, और जो चीज आपके साथ है product उसके साथ भी वो जुड़ जाएगा, उसके साथ भी वो क्या होगा दोस्तों, जुड़ जाएगा automatically. So we have to understand one thing, if we want to win in this market, मुश्किल टाइम आसान टाइम में भी मैग्नेटिक होना, तो मुश्किल टाइम में और भी मैग्नेटिक होना है। If we want to become magnetic, let's together be innovative, not a copywative. Are you with me? If we want to be magnetic, taki market gets, you know, pulled to us. If we want to be magnetic, let's all together become innovative, not copywative. Copy, kya se copy karke, kuch wahan se copy karke, Google par ke copy, presentation se copy karke, cut, 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 bol diya. Log samajh jayenge. Log bevakoof nahi hai, logo pata chal jayega ki yahan pe kya chal raha hai. Ki matlab, somehow something is copied. You learn something. After you learn something very well, उसको अच्छे से सीखते हैं ना, किस लिए सीखते हैं? दो कारण के लिए सीखते हैं। आज का काम कैसे भी चल जाए उसके लिए भी आप सीख सकते हैं, या मैं जो सीखूंगा उससे लाखों लोगों का काम बन जाए उसके लिए भी लोग सीखते हैं। वन मोर टाइम, अगर मैं कुछ सीखता हूँ, मैं वो फॉर्मूला से नहीं सीखता हूँ कि मेरा आज का काम बन जाए, मैं ये सोचता हूँ मैं जो सीखूंगा ताकि अगर मैं सीखा पाए तो लाखों का काम बन जाए, तो मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मैं तो हमेशा अच्छा रहूंगा अगर आप अच्छे रहेंगे, आप लोग मुझे अच्छे रखेंगे, ये वाला थिंकिंग को रखिए। आज का काम बन जाए, कुछ पढ़ लो, पढ़ा कुछ पढ़ लिया राइट, और बोल दिया हो गया, आज का काम हो गया, आज का ड्यूटी फिनिश्ड, वो काम तो हो गया, लेकिन कल फिर काम ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज आपने अपना काम निपटाया वो भी अच्छे से नहीं, लेकिन लोगों का काम नहीं बना। हम जिस नेटवर्क बिजनेस इंडस्ट्री में है ना दोस्तों, वहां पे लोगों का काम बनाने का और बढ़ाने का ही बिजनेस है, अपना काम नहीं, लोगों का काम आपके साथ, लोगों का काम बनाने का और बढ़ाने का ही इंडस्ट्री है। उनका काम आगे बढ़ा सकते, उनका काम बना सकते, आपका काम जिंदगी में नहीं रुकेगा, आप 100% आगे बढ़ेंगे। सो इफ यू वॉन्ट टू बी मैग्नेटिक, यू हैव टू बी इनोवेटिव, नॉट कॉपीवेटिव, कॉपीवेटिव है ना, ऐसे कॉपीवेटिव नहीं, राइट। We should have our own formula. We study from many places, but make our own formulas and deliver. So thank you so much, dosto. Aaj mujhe itna tha ki bolna tha. It is a very heavy topic. Mujhe pata hai. Aap bhi pura din iske upar study kijiye. I'll put my posts. Maybe kuch graphics dal ke usme post karunga. Definitely. I know you're excited. Main jo bhi post dalta hu Telegram, I think in the last 5 days, 1,200 people viewed the post, which is a very good. Last 4 days, 1,200 people viewed the post of thyroid diabetes. Maybe 1,500 se zyada post log view kiya. Aap mein se bahut logon ne mera video bhi dekha hoga jo maine female infertility ke upar dala tha. Agar kisi mein aap mein se kisi ke paas mere Telegram channel ka post nahi hai, to is very simple. Aap Telegram download kijiye. Sabse pehle aap Telegram ka app download kijiye. Telegram ka app download karte main aapko apna channel ka link de raha hu. उस चैनल को जस्ट आप मैसेंजर में रखिए, टेलीग्राम जो फाइल होगा मैसेंजर में रखिए, क्लिक कीजिए, आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, यू विल बी इन माय चैनल। इट्स वेरी इजी एक्चुअली, बट इट्स अ वेरी यूजफुल द टेलीग्राम चैनल, बिकॉज वहाँ पे कोई आलतू फालतू चीज नहीं होता, प्योरली काम का चीज होता है। दैट्स व्हाई मैंने ना FB में लगाया, ना मैंने और कहीं पे लगाया, आई पुट इनटू टेलीग्राम। इट इज अ वेरी इनोवेटिव चैनल। सिंपल बात है दोस्तों, आप फिर से बोल रहा हूँ, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, इट्स वेरी इजी। देखिए गूगल में, गूगल आपका आईफोन है या आपका गूगल एंड्रॉइड फोन है, जस्ट टेलीग्राम ऐप बोल के चीज है, उसको डाउनलोड कर। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद आपका जब टेलीग्राम खुल जाएगा, मैसेंजर, टेलीग्राम मैसेंजर खुलेगा, मतलब टेलीग्राम पेज खुलेगा, उस टेलीग्राम पेज में जाके जो मैं अभी लिंक दे रहा हूँ,
इस लिंक को आप कीजिए, ये मेरा चैनल है पर्टिकुलर, इस लिंक को कॉपी करते ही आप मेरे पेज में पहुंच जाएंगे, आप उसको दबाते मेरे पेज में पहुंच जाएंगे, लेकिन मेरे पेज में नीचे एक ज्वाइन बटन लिखा है, उस ज्वाइन बटन को नहीं दबाएंगे तो अभी ओपन टू ऑल चैनल है, लेकिन बाद में अगर आप ज्वाइन बटन नहीं दबाएंगे तो आप ज्वाइंट नहीं होंगे चैनल में, यू हैव टू प्रेस द ज्वाइन बटन, उसके बाद ही आप चैनल में परमानेंटली जुड़ जाएंगे, वरना कुछ टाइम बाद इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ सब्सक्राइबर को होगा, मतलब जो लोग ज्वाइंट हो गए चैनल में फिक्स्ड उनको इन्फॉर्मेशन जाएगा, मैं रोक दूंगा पब्लिकली इन्फॉर्मेशन, मैंने पहले खोल के रखा था ताकि सब लोग देखें, लेकिन मैं कुछ टाइम बाद सिर्फ हमारे मतलब सीरियस लोगों के लिए वो इन्फॉर्मेशन को रखूंगा, जो टाइम टू टाइम चैनल को फॉलो करते हैं उनके लिए, मैं भी उनको फॉलो करने के लिए अच्छा चीज दूंगा, और नॉट समवन आया देखा चला गया, नो अभी तो हमने उसको ओपन करके रखा है, लेकिन अगर अभी कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो बाद में एक भी वीडियो एक भी पोस्ट नहीं दिखेगा, चैनल दिखेगा लेकिन पोस्ट नहीं दिखेगा, आप देखेंगे कि आप बाजू में बैठे आप ज्वाइंट नहीं, आपका बाजू में एक दोस्त बैठे वो ज्वाइंट है, उसके मोबाइल में सब दिख रहा है पेज का अंदर का इन्फॉर्मेशन भी, और आपके मोबाइल में कुछ नहीं दिख रहा बिकॉज आप ज्वाइंट नहीं है, एक बटन नहीं ताकत है, मैंने उसमें टेक्नोलॉजी ऐसे कुछ सेट किया रखा, because I don't want to put it a public channel. I want to make it for our serious people. उसमें सब बकवास कर रहा है ये वो कोई भी आके देखे, we don't want. We want it for our people. ताकि हमारे audience के सब leaders आगे बढ़े, काम में आए उनके लिए business करना easy हो जाए, कोई information को पहुंचाना easy हो जाए. तो just to download the Telegram app, ये link को click कीजिए, go to my channel. नीचे join button है, just press the join button. You will be subscribed. अब आपको हर time information आएगा. मैं कोई भी information डालूंगा ना, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, आपको हर टाइम टेलीग्राम पेज में आने की जरूरत नहीं, डाटा ऑन होना चाहिए आपका, मतलब मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, एनी टाइम मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन डालूंगा ज़ूम करके आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन डाला, तब आप उसके देख सकते हैं, सो ऑटोमेटिकली यू विल बी ऑल द टाइम अटैच्ड, वी विल बी, मैं और आप सब लोग ऑल द टाइम अटैच्ड रहेंगे, मेरा कुछ भी डालने से आपको नोटिफिकेशन जाएगा अगर आप उस चैनल में ज्वाइन है तो. सो थैंक यू सो मच माई डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, बट इतना ही था मतलब काफी था, आई थिंक वो काफी हेवी था, इसको अच्छे से अगर आप समझ पाए, कोशिश कीजिए आज दिन में एटलीस्ट 10 के साथ बात करने के लिए, एटलीस्ट दोस्तों 10 के साथ इस टॉपिक को स्प्रेड करने का कोशिश कीजिए, देखिए ना क्या होता है, वो 10 से धीरे धीरे आप लोग 10 को बोलेंगे परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, वो 10 सुनेंगे समझेंगे, वो बाकी 10 और 10 को बोलेंगे उतना परफेक्टली नहीं बोल पाएंगे, लेकिन कुछ तो बोलेंगे, वो 10 से 100 में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, 10 में नॉलेज क्रिएट होगा, 10 से 100 में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, 100 से कहीं पे इंटरेस्ट क्रिएट होगा, जब इंटरेस्ट क्रिएट होगा वो सब लोग फाइनली सेंट्रलाइज्ड कहाँ पे हो जाएंगे पता है, आपके तरफ, कहाँ पे सेंट्रलाइज्ड होंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए, कहाँ पे मैग्नेट जैसे चिपकेगा आपके तरफ, ऑटोमेटिकली आपका काम बनने लगेगा. थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, एंड हैव अ ग्रेट डे, सेफली रहिए, सेफली काम भी कीजिए, स्टे सेफ वर्क सेफ, स्टे सेफ वर्क सेफ, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं इसी शक्ल के साथ और थोड़ा, किसके साथ मिलेंगे पता है, बताएं, इसी शक्ल के साथ और थोड़ा अकल के साथ, क्योंकि अगर हमने अपना अकल बढ़ाए और हजारों लाखों लोगों का अकल बढ़ाने का काम किया तो हमारा शक्ल करोड़ों में बहुत फेमस हो जाएगा. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे.